लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये है भारत के एक कोने में बसी रियासत विक्रमगढ़। आज भी यहाँ वही पुरानी परंपराएं बरकरार हैं। भारत की जय! महाराज विक्रम सिंह आजादी के बाद भी रियासती दौर को नहीं भूले। हर हाइनेस कौशल्या देवी दो हमशक्ल जुड़वां राजकुमारों की मां, राजकुमार गोवर्धन बुद्धू दिन भर गरीब नौकरों के बच्चों के साथ खेलता रहता है। दूसरा राजकुमार हर्षवर्धन महाराज का सपना, रियासत की गद्दी का वारिस। ठाकुर करण सिंह रियासत के दीवान। महाराज ने राजकुमार हर्ष को ट्रेनिंग देकर बहादुर बनाने की जिम्मेदारी इनको सौंपी है। यही इनके दोस्त माँ बाप और गुरु हैं। राजकुमार की चप्पल। एक तरफ राजकुमार हर्षवर्धन को किसी मशीन की तरह तैयार किया जाता है तो दूसरी तरफ भोला गोवर्धन खुद ही तैयार हो जाता है। मां की आंख का तारा है गोवर्धन। महाराज के हुक्म पर राजकुमार हर्षवर्धन को न चाहते हुए भी दिन रात करण सिंह की छत्र छाया में चलना पड़ता है। राजकुमार हर्षवर्धन को रोजाना सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें बच्चों के साथ खेलने की इजाजत नहीं है। इन्होंने रानी मां और महाराज के साथ उतना वक्त नहीं गुजारा जितना करण सिंह के साथ गुजारा। बचपन से ही इनको विरासत में मिली है कठोर पाबंदियां और घुटन। रियासत की इन्हीं बंदिशों से तंग आकर राजकुमार हर्षवर्धन को एक तरकीब सूझी और उसने अपने छोटे भाई से कहा, हमें आजादी चाहिए। आजादी? हाँ, हम तुम बनना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए अपनी आजादी हमें उधार दे दो। उधार? हाँ, तुम हमारे कपड़े पहन लो और हम तुम्हारे। तुम हर्षवर्धन बन जाओ और हम गोवर्धन। अगर किसी को पता चल गया तो? अरे नहीं चलेगा, हम जल्दी से वापस आ जाएंगे। चलो जल्दी कपड़े बदल लेते। यूं कैसा लग रहा हमारे कपड़े पहन के? भैया हमें तो बहुत डर लग रहा है। डरना नहीं चाहिए रे, जो मन चाहता है वो कर लेना चाहिए। ये हमारी टीचर ने कहा है, If you want to be what you want to be what you want to be, and to be what you want to believe what you want to be। मतलब? हाँ। कबूतर? हाँ। तुतुतुर तुतुर तु, तुतुतुर तुतुर तु, छत के ऊपर दो कबूतर, छत के इतनी देर क्यों लगा दी गोवर्धन जी? गोवर्धन? हाँ हाँ गोवर्धन, बस ऐसे ही देर हो गई। खेल शुरू करें। हाँ हाँ हाँ। आजादी की खुली हवा में मस्त होकर राजकुमार हर्षवर्धन जब गोवर्धन बनकर महल के नौकरों के गरीब बच्चों के साथ खेल रहा था तभी अचानक वहाँ करण सिंह आ गए। राजकुमार हर्षवर्धन, तो ये गोवर्धन की चाल थी। उसने अपने कपड़े पहनाकर तुम्हें यहाँ भेजा। बेहया, बेशर्म! तुझे राजकुमार हर्षवर्धन को गलत रास्ता दिखाने के लिए और गुमराह करने के जुर्म में
अगर हम चाहें तो 10 साल के लिए कालकोठ में बंद होने की सजा दे सकते हैं। तुमने राजमहल के उसूलों को तोड़ा है, तुमने कल के होने वाले महाराज को गद्दारी का रास्ता दिखाया, और तुमने हमारे प्रेम हमारी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया। जिन लोगों को तुम्हारे सामने हाथ बांधकर सर झुकाकर खड़ा रहना चाहिए था, उन लोगों को तुमने अपने सीने पर सवार कर रखा था। करण सिंह जी महाराज, आज के बाद राजकुमार हर्षवर्धन का बाहर की दुनिया से संपर्क बंद, ये तमाम दरवाजे खिड़कियां रोशनदान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएं, और इन्हें हर पल हर लम्हा हर घड़ी एक ही बात बार बार याद दिलाई जाए कि ये इस रियासत के राजकुमार हैं, गद्दी के वारिस, भविष्य के राजा, राजा राजा सिर्फ राजा। होशियार विक्रमगढ़ के दीवान ठाकुर जनाब श्री करण सिंह चौहान, 84 गांवों के जवाबदार हिकमतदार राजकुमार हर्षवर्धन को जगाने के लिए राजमहल के नौकरों और दासियों के साथ पधार रहे हैं। आ गए दिमाग चढ़ने। राजकुमार की चप्पल, राजकुमार का गाउन। राजकुमार जी, राजकुमार जी, आप मेरी तरफ मत देखिए, इस ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, इस ब्लैक बोर्ड पर अलजेब्रे के फॉर्मूले की तरफ देखिए। हाँ हाँ, देख ही तो रहे हैं। तो बताइए तो, ये फॉर्मूला सही है या गलत है? बरसों से यही चला रहा है, 15 साल हो गए ब्लैक बोर्ड पर वही फॉर्मूला लिखा हुआ है। गोवर्धन जी, आपको रत्ती भर भी शर्म नहीं आती? शर्म क्यों आएंगी, हम कोई नंगे थोड़ी बैठे हैं। है? टूथपेस्ट, पानी, कुल्ली कीजिए, गरारा कीजिए, उगल दीजिए। अब राजकुमार के चेहरे की धुलाई हुई, बस मूंछों की नोक बनाई जाए। 7:36 से 9:36 तक राजनीति की बातें, 9:36 से 9:40 तक 4 मिनट आराम, 9:40 से 11:40 तक घुड़सवारी, 11:40 से 12:40 तलवारबाजी, 12:40 से 1:40 पहलवानों के साथ ताकत आजमाई। 20 साल से यही सुनता आ रहा हूं, रट लिया है मैंने, और मत सुनाइए प्लीज। रट तो मैंने भी लिया है, मगर यह सुनाना मेरा कर्तव्य है। 2 बजे से 3:30 बजे तक फ्रांस के एम्बेसडर से आपकी मुलाकात होगी, 3:30 बजे से 4:30 बजे तक टाइप। इनफ, अंदर चलिए, नहाते नहाते सारी बातें हो जाएंगी। चलिए चलिए चलिए, आइए आइए। 20 साल से ना कैसी मार खा रही है। कैसी चल रही है मेरे गोवर्धन की पढ़ाई? माफ कीजिएगा रानी मां,
अब हमें छुट्टी दे दीजिए। ये छोटे से थे तब से हम इन्हें पढ़ा रहे हैं और आज तक वही पढ़ाई चल रही है। आप लोग दिल छोटा मत कीजिए। अगर आप पांच लोग मिलकर मेरे गोवर्धन को विद्वान और बुद्धिमान नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, पांच टीचर और रख लेते। हाँ? मैं तंग आ चुका ऐसी जिंदगी से, कभी तलवारबाजी, कभी घुड़सवारी, कभी कुश्ती, कभी इसका नाम रोशन करना, कभी उसका नाम रोशन करना। अच्छा, क्या मैं इन्हीं चीजों के लिए बनाऊं? अच्छा तो मेरी बात समझने की कोशिश तो करो पहले। समझ रहा हूं, सब समझ रहा हूं। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं यहां तक भर चुका हूं, इतना तंग आ चुका हूं, एक दिन भाग जाऊंगा, भाग जाऊंगा मैं। अच्छा बाबा, मेरी खातिर ये मुकाबला तुम मेरी खातिर लड़ो। ठीक है करण जी, आपके खातिर आखिरी बार इस मुकाबले में हिस्सा ले रहा हूं। बाद अब बा मुलाहिजा होशियार, विक्रमगढ़ के महाराज महाराज विक्रम सिंह रानी कौशल्या देवी के साथ आज के इस तलवारबाजी के आखिरी मुकाबले में पधारे हैं। ये मुकाबला राजकुमार हर्षवर्धन और राजकुमार वीर सिंह के बीच होगा। 84 गांवों के जवाबदार ठाकुर करण सिंह। मुकाबला शुरू हो। हर्षवर्धन भैया की जय। राजकुमार हर्षवर्धन तलवारबाजी के इस मुकाबले में विजयी घोषित किए जाते हैं। राजकुमार हर्षवर्धन की जय। राजकुमार हर्षवर्धन की जय। राजकुमार हर्षवर्धन की जय। क्या ये सब? राजकुमार हर्षवर्धन, आपने तलवारबाजी के दांव पेच दिखाकर सब रजवाड़ों में अव्वल दर्जा हासिल किया है और चैंपियन घोषित किए गए। सुन लिया, आ गए। महाराज ने आपकी वीरता की कदर करते हुए ये तोहफे, ये नजराने आपके हुजूर में भेजे हैं, जिसे स्वीकार करना आपका धर्म है। अगर हम ये स्वीकार नहीं करते हैं तो महाराज के हुक्म का अपमान होगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं महाराज। राजकुमार हर्षवर्धन की इस हरकत से हमें बहुत दुख पहुंचा, बहुत दुख। दुनिया की ऐसी कौन सी चीज थी जो हमने उसे नहीं दी? इज्जत, दौलत, राज सिंहासन, और इन बातों के बावजूद भी उसने हमारे तोहफों को ठुकरा कर हमारा अपमान किया है। हमारा बेटे, इसे पीकर तुम अपने अंदर उठ रहे तूफान को शांत नहीं कर सकते। स्वामी जी, मैं आपके शब्दों के जाल में फंसने वाला नहीं हूं। ये लीजिए आपकी गुरुदक्षिणा और चले जाइए यहां से। बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने यही प्रयत्न किया, लेकिन क्या धन दौलत से वो अपने अंदर का तूफान शांत कर सके? मेरे मन में क्या है उससे किसी को क्या मतलब है? बेटा, मतलब है,
तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हैं। मेरे पिता के पास समय ही कहाँ है मुझे समझने के लिए, इसलिए तो उन्होंने आपको भेजा है, मगर मुझे किसी की जरूरत नहीं। जिनका मन बहुत अधिक विचलित होता है वही ऐसी बातें करते हैं बेटा। मेरा कोई मन मन विचलित नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं। मेरे मन को समझने वाला कोई है यहां पर? किसी ने कभी पूछा है कि मैं क्या चाहता हूं, क्या है मेरे दिल में? इस बड़े महल में कोई समझता है मेरी घुटन को? एक मुर्दा शरीर को राजकुमार की पोशाक पहनाकर दुनिया भर में उसकी नुमाइश करने से उसमें जान डाल सकते हैं आप? राजकुमार? राजकुमार नहीं, एक जीती जागती लाश, अंदर से खोखली टूटी हुई। ऐसी हालत हो गई मेरी कि समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। बरसों से इस महल की चार दीवारी में बंद रहकर तुम एक कैदी बनकर रह गए हो, अपने अंदर एक घुटन महसूस करने लगे हो। इस महल के दरवाजों ने तुम्हारी ये हालत कर दी है, इन बंद दरवाजों को खोलना होगा बेटा। जाओ बेटा, यहां से बाहर जाओ। तुम्हें प्रेम चाहिए बेटा, सच्चा प्रेम, और बाहर जाकर तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी बरसों से तुम्हें तलाश है। करण सिंह जी। जी महाराज। आज से ही तमाम रियासतों में राजकुमार हर्षवर्धन के लिए कोई रिश्ता तलाश किया जाए और उन्हें शादी के लिए तैयार करना भी आप ही का काम होगा। मगर महाराज, यह हमारा हुक्म है। सारी जिंदगी महाराज के हुक्म के सामने सर झुकाता है, और आज जब मेरी निजी जिंदगी का सवाल है, मेरी शादी का, उसमें भी रियासत के उसूल। मैं इंसान हूं, राजनीति की कोख से जन्म लेने वाली कानून की किताब नहीं। एक राजा की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, उसे दूसरों के लिए जीना पड़ता है। भाड़ में जाए राजा और जहन्नम में जाए रियासत, ऐसी लड़की से मैं क्यों शादी करूं जिसे मैं नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानती। दुनिया की हर लड़की तुम्हें जानती है। वो मुझे नहीं, मेरे औहदे को जानती है। कल मैं राजा बनूंगा ये बात जानती है, और वो मुझसे नहीं मेरी पोजीशन से शादी करना चाहती है। राजघरानों में यही होता है। ओ फॉर गॉड्स सेक, नहीं। राजघराना, राजघराना, राजघराने का नाम मेरे सामने मत लो। जब तक मेरी सांस बाकी है मेरी वफादारी जिंदा रहेगी, और वफादारी के नाम पर इस रियासत का नाम जरूर आता रहेगा। राजकुमार, मैं तो इस रियासत का इतना सा मुलाजिम हूं, फिर भी वफादारी निभा रहा हूं, और तुम तो इस रियासत के चिराग हो। मां के अरमान हो, बाप का खून हो, अगर तुम्हारे दिल में उनके लिए जरा सी भी इज्जत है तो तुम जाने से इनकार नहीं करोगे। करण सिंह जी, आप पसंद आए तो हां कर देना, और ना आए तो इनकार कर देना। That's it. तो जिन जिन राजकुमारियों को न्योता देकर बुलाया गया है, कल सुबह 10 बजे आप उनसे मिलेंगे। जी दरवाजा खुला है, आ जाइए। तो आप हमसे शादी करना चाहती हैं? आपको हम पसंद आए? कैसे पसंद है? आपकी शर्म भरी नजरें तो जमीन में गड़ी हुई हैं। आपने हमें देखा ही कहाँ है? ओहो, दिल की आंखों से देख रही थी, चेहरे की आंखों से जमीन देख रही थी, और दिल की आंखों से हमें देख लिया। वाह, नाम क्या आपका? अभी लाशा। आप सिर्फ अपना सिर हिलाती जाएंगी या कुछ बोलेंगी भी? बोलेगी कैसे, ये तो गूंगी है। अरे भाई, गूंगी है क्या? मैं गूंगी नहीं, मैंने कसम खाई है कि जब तक मैं आपकी पत्नी नहीं बन जाती तब तक अपनी जबान नहीं खोलूंगी। ओहो, बड़ी तमन्ना है आपकी, भगवान ने चाहा तो बिल्कुल पूरी नहीं हो। देवी जी, हम ब्याह किसी से भी कर लें, मगर शादी आप ही से करेंगे।
देवी जी आइए, देवी जी हमने आपका नाम हमारे दिल के खिताब में हमेशा हमेशा के लिए छाप लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय मिस साइलेंट। अच्छे मुसीबत में फंस गए भैया। हाय प्रिंस, माय स्वीट हार्ट, माय लव, माय डार्लिंग, माय फ्यूचर हस्बैंड। शादी से पहले पप्पी, अपने डैड से कहो कि मैंने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया, अब खड़े खड़े वो हमारा ब्याह कर दे। खड़े खड़े? यस, फास्ट मैन फास्ट। आजकल की दुनिया के पास टाइम कहाँ है? आज शादी करो, कल घर बसाओ, परसों झगड़ा करो और तरसो तलाक। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। थैंक यू। अब जाइए, हम आपको खबर कर देंगे। खबर? किस बात की खबर? खबर तो मैं तुम्हें दे रही हूँ कि मैंने तुम्हें पास कर दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर पासिंग मी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। भैया तो चले गए, हम उनकी जगह चले जाते, शायद हमें कोई पसंद कर ले। दरवाजा खुला है, अंदर आइए। सुंदर है, अब मुझसे मिलने आई है तो बैठिए ना। सच बताइए, आपको हम पसंद आए? बोलिए ना, हम आपको पसंद आए? जी हाँ। हाँ? हम आपको पसंद आए? जिंदगी में पहली बार किसी ने हमको पसंद किया है। आप हमसे ब्याह करेंगी? बोलिए ना। जी हाँ। और क्या करेंगी? जो आप कहें। फिर भी आपकी सेवा करूंगी। आप हमारे पैर दबाएंगे? जी। अभी तो लीजिए। हम जाग रहे हैं या सपना देख रहे हैं? एक सुंदर लड़की हमें चाहती भी है, हमारी सेवा भी कर रही। आपका नाम क्या है? जयश्री। बस आप हमें बहुत पसंद आ गई, बहुत। अब हम ब्याह करेंगे तो केवल आप ही से करेंगे, वरना जिंदगी भर कुंवारे रहेंगे। हाँ, कसम से। तमाम रियासतों से आए हुए शाही मेहमानों और उनके परिवार के सदस्यों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोगों को यहां इस महफिल में इसलिए आमंत्रित किया गया है कि हमारे सुपुत्र और इस रियासत के होने वाले राजा श्री हर्षवर्धन का ब्याह हमारे मित्र राजा जगराज जी की पुत्री जयश्री के साथ तय हुआ। यह ब्याह पूर्णमासी के दिन होगा और आज हमारे जितने भी मेहमान यहां इकट्ठा हैं उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि यहां आकर हमारी शान बढ़ाए। हमने पहली बार जिंदगी में जिसे चाहा, पिताजी और भैया ने उसे भी हमसे छीन लिया। हाँ।
राजकुमार हर्षवर्धन, अब तुम इस शादी से इनकार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बेटा हर्षवर्धन, राजा रियासत के कानून के गुलाम होते हैं। इस शादी से इनकार करना अब तुम्हारे बस में नहीं है राजकुमार। अब बोलो राजकुमार हर्षवर्धन, अब तुम क्या करोगे? ये शादी तो करनी ही पड़ेगी। नहीं, तुम कैदी हो, तुम बुरी तरह फंस गए हो। अब तुम इस महल की चार दीवारी के बाहर नहीं निकल सकते, इसी महल में घुट घुट के मर जाओगे। भैया, क्या बात है भैया, परेशान लग रहे हैं आप? हाँ भाई, मैं बहुत परेशान हूं। आप और परेशान? परेशान तो मुझ जैसे को होना चाहिए जिन्हें जिंदगी में कुछ नहीं मिला, ना बड़ों का प्यार, ना जिसे चाह उसका प्रेम। आपको तो बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है, फिर भी आप दुखे क्यों हैं? तुम बोले भाई, तुम कुछ नहीं समझोगे, कुछ नहीं। तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। मैं खुद आपसे कुछ मांगने आया था, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? तुम चाहो तो मैं सारी खुशियां तुम्हारे दामन में डाल दूं। सब तो मेरे को बनाते ही है, तुम भी बना रहे हो। नहीं भाई, तुम्हारे सर की कसम, मैं सब कुछ तुम्हारे हवाले करके कुछ दिनों के लिए यहां से जाना चाहता हूं। तुम मेरी जगह ऐश करना, और शादी मेरे बदले तुम शादी कर लेना। मगर ये कैसे हो सकता? इफ यू वॉन्ट टू बी वॉट यू वॉन्ट टू बी वॉट यू वॉन्ट टू बी एंड टू बी वॉट यू वॉन्ट टू बी बिलीव वॉट यू वॉन्ट टू बी। मतलब वो देख कबूतर, छत के ऊपर तो कबूतर, छत के ऊपर तो कबूतर, नीचे मैं और तू, तुतर तुतर तो नाम बदल ले हम अपना, तो हो जाए जादू, तू बन जाए मैं बन जाऊं तू, तू बन जाए मैं बन जाऊं तू। क्यों बाबू? छत के ऊपर दो कबूतर, छत के ऊपर दो कबूतर, नीचे मैं और तू, तुतर तुतर तो नाम बदल ले हम अपना, तो हो जाए जादू, तू बन जाए मैं बन जाऊं तू, तू बन जाए मैं बन जाऊं तू। छत के ऊपर दो कबूतर, काश के हम दो पत्ते एक बादशाह गुलाम, काश के हम दो पत्ते एक बादशाह गुलाम, सूरत मूरत एक हमारी सिर्फ अलग है ना, इस तस्वीर की जगह पे रख दूं मैं अपनी तस्वीर, जाए प्यारे हम दोनों की तकदीर। चांद भला कैसे बन सकता है कोई जुगनू, छत के ऊपर
हंसना गाना सीख ले ओ बुज़दिल, ये तलवार चलाना सीख ले। तलवार? तलवार तो मैंने आज तक नहीं चलाई। काम तो सारे यूं करना, हम जैसे करते हैं। सब छोड़ो भैया, पहले मुझे ये बताओ, ओ प्यार किसी से हो जाए तो प्यार कैसे करते हैं? ओ पहले बातें करते हैं दो चार, मुलाकातें करते हैं, हाथ पकड़ के थाम के दिल कहते हैं आई लव यू। समझे बाबू? छत के ऊपर दो कबूतर, छत के ऊपर दो कबूतर, नीचे मैं और तू, तुर 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 तू, नाम बदल ले हम अपना तो हो जाए जादू, तू बन जाए मैं बन जाऊं तू, तू बन जाए मैं बन जाऊं तू। क्यों बाबू? छत के ऊपर दो कबूतर, छत के देखिए मैं। कहते हैं कि वहाँ अगर गधा भी जाए तो इंसान बनकर आता है। मैं वहाँ जाऊंगा माँ, बंबई 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 जाऊंगा माँ बंबई। अबे गधे, नाम भी लिया तो बंबई का, नाम लेता है अमेरिका जाऊंगा, लंदन जाऊंगा, दुबई जाऊंगा, पेरिस जाऊंगा, मगर नहीं बंबई बंबई। माँ, आज पहली बार मेरे बेटे ने अकलमंदी की बात की है और आप हंस रहे। कौन जाने, बंबई जाकर सचमुच मेरा बेटा बुद्धिमान और सेना बनकर लौटे। क्षमा कीजिए महारानी साहिबा, मैं आपके इस विचार से सहमत नहीं हूँ। करण सिंह जी ठीक कहते हैं बिल्कुल। देखिए पिताजी महाराज, आपने वादा किया है, अगर राजा वादे से मुकर गया तो प्रजा का राजा पर से विश्वास उड़ जाएगा। क्यों महाराज, अब तो हमें आज्ञा है ना बम्बई जाने की। ठीक है, तुम बम्बई जा सकते हो। ज्यादा उछलो मत, तुम बॉम्बे जाओगे जी, लेकिन अकेले नहीं जाओगे, ठाकुर करण सिंह जी तुम्हारे साथ जाएंगे। जी जी, जी मैं बॉम्बे और वो भी इसके साथ। करण सिंह जी, आप इसके साथ जाएंगे तो हमें चिंता बिल्कुल नहीं होगी। ये तो भोला है, आपका साथ मिलेगा तो कुछ इंसान बन सकेगा। महारानी साहब, हो सकता है ये इंसान बन जाए मगर
मगर मेरी इंसानियत का क्या होगा? वो तो हमने वादा किया है। हाँ, आप एक काम करेंगे, हर्षवर्धन के विवाह के बाद आप इसे अपने साथ बंबई ले जाएंगे। वर्धन भैया, धन्य हो, तुमने हमारी डूबती नैया को बचा लिया, हमारी जिंदगी बना दी। तुम दोनों को नई जिंदगी मुबारक। हर्षवर्धन बनना भी बहुत मुश्किल है, पूरा बदन अकड़ गया। ये क्या कर रहे? जयश्री का विवाह हर्षवर्धन से हुआ है, गोवर्धन से नहीं। किस अधिकार से घूंघट उठाने जा रहे हैं बेटा? घूंघट तो दूर, तुम उसे छू भी नहीं सकते। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। सोचा था हर्षवर्धन बन के जयश्री के करीब रहूंगा, उसे प्यार करूंगा, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? सब उल्टा हो गया जी। मेरा मतलब है, गला सूख रहा था इसलिए पानी पानी पीने चला। तबीयत ठीक नहीं है क्या जी? फंस गया हूँ जी। मेरा मतलब है, थक गया हूँ, मेरा सर पकड़ा जा रहा है। लाइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। जी नहीं, अभी नहीं। भैया से बात करनी पड़ेगी, कहाँ फंस गया। अच्छा, आप जो कहेंगे मैं करूँगी जी। मैं आपकी पत्नी हूँ ना जी। हाँ, तो फिर इतनी दूरियाँ क्यों? दूरियाँ कहाँ है, अब तो आप हमारे है ना, तो पीछे क्यों हट रहे हैं? पीछे कौन हट? समेट लो मुझे अपनी बाहों में। समेट? क्या मैं आपकी पसंद नहीं? कमर, झटका। धीरे धीरे उठिए, संभल के। भैया आजादी, आजादी। तुम्हारी आजादी वहां खत्म हो जाती जहां से मेरी नाक शुरू होती है। तुम चलो, मैं सामान लेकर आता हूँ जी। सबको दूंगा, सबको दूंगा। अबे हीरो,
बाप का मैदान समझ के उछल रहा है क्या? साला बराबर टाइम पे ब्रेक नहीं मारता ना तो बिना टिकट ऊपर चला जाता। न जाने कहां से चले आते बंबई में भर्ती के औलाद साले। अबे मैं तेरे को गाली दे रहा है, तू बत्तीसी फाड़ के हंस कह रहा है? दे ना भाई और गाली दे, और गाली दे। आज जिंदगी में पहली बार इन कानों के पर्दों से गालियां टकराई है। बहुत मजा आया ये सुनने के लिए, तो मेरे कान बचपन से तरस रहे हैं। देना रुक मत, और गाली दे दे, बहुत मजा आ रहा है। मजा? यारे बम्बई में पहला आदमी देखा जो गाली सुन के मजे ले रहा है। क्या अरे उल्टे खोपड़ी का आदमी है क्या तू? और ये कपड़े क्या किसी पागल खाने से मार के लाया? जाने बाबा जाने देने, सुबह सुबह काय को धंधे का टाइम खराब कर रहे थे। गोवर्धन क्या हुआ? एक और आ गया। क्या हुआ क्या? आंख बंद करके रस्ते में चलेगा साला मरेगा तो? तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। क्या रे तू फिल्म कंपनी का कपड़ा पहन के इधर दोस्त जमा रहे है क्या साला? हेलकट का अरे नहीं करण जी, करण जी गलत इनकी नहीं मेरी है, मैं इनके गाड़ी के सामने आया था। अरे मगर ये उल्लू का पट्टा में गालियां कैसे दे रहा है? कैसे दे रहा है? मुंह से दे रहा है। अबे सुबह सुबह धंधे का टाइम खोपड़ी खराब कर दिया पनौती कहीं का? अरे मैं इसकी खाल धोऊंगा। नहीं करण जी, नहीं नहीं करण जी शांति। अच्छा भी सको सामान टैक्सी में रखे। सामान टैक्सी में रखिएगा। कौन सा सामान? अंधा हो गया है, सामने रखा हुआ है। क्या सुबह सुबह क्या, किधर है सामान? अरे ये क्या सामान? क्या हुआ? क्या हुआ क्या? अरे इन तीन ट्रॉली में 10 सूटकेस भरवा के लाया था। 10 सूटकेस? ये बाप ये बम्बई है समझा ना, इधर मोजे के अंदर छुपाया नोट पब्लिक चुरा के ले जाता है, तुमने तो खुलेआम सड़क पे सामान रखा था। 10 सूटकेस कोई मिला ना क्या सुबह से तेरे को? देख लिया गोवर्धन, ये है तुम्हारी बम्बई। अभी पहुंचे हुए आधा घंटा नहीं हुआ और बम्बई ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे करण जी भूल जाए उस सामान को। क्या मतलब? वो 10 सूटकेस जाने दो। करण जी बम्बई में हम लोग बम्बई वाले बन के रहेंगे, वैसे भी इन कपड़ों में लोग हमें देखकर हंसते हैं, हम नए कपड़े खरीद लेंगे। हाँ गोवर्धन तुम तो हो पागल, किसी दिन मुझे भी पागल कर दोगे। अरे तुम्हें पता है उन सूटकेसों में कितना पैसा था? मालूम है मालूम है, मगर इस बैग में जितने पैसे हमारे लिए काफी है। चलिए ना करण जी। सीधे बैठे हुए आगे देखो। गोवर्धन सीधे बैठो, क्या बदतमीजी? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तुम्हारी बदतमीजी के कारण सारा सामान चोरी हो गया, सारा पैसा चोरी हो गया। ए भाई टैक्सी वाले का पैसा है ना? अरे है, तुम सामने देके चलाओ एक्सीडेंट करोगे। अरे मैं संभाल के चला रहा हूँ, तुम संभाल के बैठना, वो दरवाजा पकड़ के रहना। ये रस्सी क्यों लगाई? अरे इसका हैंडल टूट गया, खुलते रहता है बीच बीच में। संभाल के बैठना, गिर गया तो अपना जिम्मेदारी नहीं। कितने बदतमीज लड़के हैं यहाँ के देखो। क्या हुआ? क्या हुआ? ये ले देख। ये कौन है? हम? ये हमारा मुंह कैसे काला हो गया? ये बाप ये बम्बई है या बड़े बड़ों के मुंह काले होते हैं? तू कौन है? हुई हूँ हुई हूँ। ये ले कपड़ा ले पोछ ले। साफ हुआ? ले कपड़ा दिखा। अरे तेरी तो कपड़े पे तो ग्रीस लगा हुआ था। ये कपड़ा दिया था तुमने? अरे संभल के बैठ, संभल के कालिया अब भी गिर जाता। ए, कौन कालिया? क्या बात हुई? अरे तू और कौन जरा अपना थोबड़ा तो देख। बोल क्या दू, गुलाब चमेली या मोगरा? क्या बात हुई? देख लेना घूर घूर के क्या देखता है कालिया, लेता है क्या? हाय हाय रे कालिया। इजड़े इजड़े। अरे मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हटो भाई। अरे यार इनको मना करो ना। अरे नहीं नहीं साहब, आप उन लोगों के साथ लफड़ा नहीं कर सकते, सिग्नल पे टायर पंक्चर करके भाग जाते हैं लोग। अरे कैसे चलाऊं, सिग्नल लाल है ना, सिग्नल छोड़ के जाऊं क्या? बदल ले तो दो ना। अरे जा रे, कपड़ा तो राजा के माफिक पहना है और जेब में एक भेड़ी नहीं फूल। अरे जा जा, तेरे जैसे बड़े सेठ देखे गाड़ी में बैठे तो अपने आप को सेठ समझता है। कंजूस की औलाद, लफंगा साला, कालिया साला।
वेलकम सर, वेलकम। आइए। हाँ वेलकम। एयरपोर्ट पर गाड़ी तो भेजी नहीं आपने, आपके शहर ने आती मुंह काला कर दिया हम लोगों का। जी सर, वो हमने गाड़ी तो भेजी थी लेकिन इत्तेफाक से वो ट्रैफिक में फंस गई। प्लीज आइए, ये मुझे दीजिए, प्लीज प्लीज आइए। फिर वही महल जैसा माहौल। आइए सर। ऐसा करते हैं, कहीं सस्ता होटल ढूंढते जहां पर महल जैसा माहौल ना हो। आइए मैं आपका रॉयल सूट दिखाता हूं। आओ गोवर्धन। अरे ये कहां गए? छतरी के नीचे भी होता है। होता है, हम लोग बहुत जाने एक दूसरे पर। चलो रखो, चलो रखो। अरे आओ, भूख लगी है, बैठो बैठो। लो खाओ। यहाँ के लोग कितने अच्छे। खाओ खाओ, खाता हूँ। कहाँ भगा के ले जा रहे थे मेरे बच्चों को? ये सब बच्चे आपके हैं? तो क्या आपके हैं? बाप रे, इतने सब? क्यों? अरे बच्चों, चलो चलो, चलते हो कि मारूं? कहाँ चलना है? एक मिनट, मैं आपसे नहीं अपने बच्चों से बात कर रही हूँ। क्यों बच्चों, पहली बार घुमाने लाई और उसमें भी मस्ती? मारूंगी एक एक को। अरे अरे, आपके अपने बच्चे, क्यों डांट रही हो? ए मिस्टर आप। अरे नीलम कहाँ गई? गणेश को कुछ नहीं होगा। गणेश को कुछ हुआ ना तो मैं उस गाड़ी वाले को छोड़ूंगी नहीं। बजाय इसके कि वो गणेश को अस्पताल पहुंचाता, गाड़ी लेकर भाग गया, जैसे गरीबों की जान की कोई कीमत ही नहीं हो। I hate these kind of people. जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को चाहा, मगर वो दौलत वालों से नफरत करती है। इन बच्चों की खुशी के लिए मैंने बाहर घुमाने लेकर आई थी और देखिए ना क्या हो गया। क्या जवाब दूंगी इनकी गरीब माँ बाप को? तुझे ऐसी लड़की की तलाश थी ना जो तेरी दौलत, तेरी पोजीशन की परवाह ना करे। ये वही है। आज से तू इसके लिए राजकुमार नहीं, एक गरीब मामूली इंसान है। डॉक्टर, घबराने की कोई बात नहीं, मैंने बच्चे का प्लास्टर कर दिया है, आप लोग उसे घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ऑल राइट। चलो चलो बच्चों, चलो चलो। थैंक यू। मुझे मेरी मंजिल मिल गई। ए टैक्सी आई, टैक्सी आई, ए टैक्सी आई। ये तो अपना गणेश है यार। गणेश ओए की बह गया बोला मौसी नु। अरे मौसी तो क्या हुआ? मौसी अरे काय से ले रे तू नाना जा, काय से ना। आहिस्ता आहिस्ता मां जी, जख्म कच्चा है। लेकिन हुआ क्या इसको? अरे कुछ नहीं हुआ मौसी, इसका एक्सीडेंट हो गया, सड़क पार करके नीलम को बचाने गया और एक गाड़ी इसे मार के निकल गई। अभी बिल्कुल ठीक है। अरे मेरे गरीब का है कि बच्चा, इसको कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। इतनी ममता,
मौसी, इस अंकल ने मेरी जान बचाई। अरे अरे, ये क्या कर रही है माँ जी? गणेश अच्छा हो जाएगा, बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा माँ जी। बेटा, तुमने गणेश की जान बचाकर मेरी जैसी गरीब को नई जिंदगी दी है। जब से मेरे बेटे और बहू को हत्यारों ने मार डाला, तब से यही मेरे जीने का सहारा है। आज तुमने भगवान बनकर मेरे को सहारा दिया है। अरे अरे, नहीं नहीं माँ जी, सब सब ठीक हो जाएगा। कहाँ गए मेरा राजा? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, देखो देखो, ये बैठो साहब, बैठो। अरे लाओ, ले लाओ, लाओ साहब, ये खाई ले साहब, खाई ले, बहुत बढ़िया है। इन गरीब लोगों के दिल में कितना प्यार है, ऐसे प्यार के लिए मैं तरसता रहा। खा माजा राजा, मेरे हाथ का बना हुआ है, खा। कौन है ये? सर, हमारा बस्ती के अंदर एक सड़ियल दड़ियल साइंटिस्ट रहता जे। रहमत मियां, आड़े टेढ़े तजुर्बे करके सोना बनाने की कोशिश कर रहा है। बनेगा, जरूर बनेगा, थोड़ी सी चूक हो गई माफ करना, वरना आज कढ़ाई में दूध के बजाय सोना होता। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह कामयाबी होगी, जरूर होगी, जरूर होगी। आप यहाँ हर रोज आती हैं? बस यूँ समझे कि ये बस्ती मेरा घर है, मेरा परिवार है। यहाँ के सब लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मैं रोज सुबह यहाँ बच्चों को पढ़ाने आती हूँ। अच्छा, काफी अच्छी बस्ती है जी। अरे कमाल है, अब तक मैंने आपके बारे में कुछ पूछा ही नहीं। आपका नाम क्या है? अश्व, मेरा मतलब है राजा। राजा? वैसे नाम का राजा हूँ, बिल्कुल गरीब आदमी हूँ, फकीर। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? होटल सेंटोर। क्या 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 क्या? सेंटोर? हाँ सेंटोर, मेरा मतलब है सेंटोर होटल के पीछे झोपड़पट्टी में। कब से आप बॉम्बे में? यू समझ लीजिए नया नया हूँ। क्या करते हैं? मंजिल की तलाश। मंजिल? कैसी मंजिल? मंजिल से मेरा मतलब है नौकरी की तलाश। तो यूं समझिए आपको आपकी मंजिल मिल गई। जी जी, मेरे चाचा की लॉन्ड्री है जुहू में, चावला लॉन्ड्री। अगर आप चाहें तो आप वहाँ नौकरी कर सकते हैं। लॉन्ड्री नहीं चलेगी? नहीं, बिल्कुल चलेगी, चलेगी। तो बस फिर आप कल सुबह वहाँ जाइए, मैं भी आपको वहीं मिलूंगी। मुझे मेरी मंजिल मिल गई। मैं आपको कहीं छोड़ दूं? थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, बाय। मंजिल मिल गई। आपका पुलिस डिपार्टमेंट एक इंपॉर्टेंट रॉयल फैमिली के राजकुमार को तलाश नहीं कर सकता है? देखिए, अगर आपने एक घंटे में उनको तलाश नहीं किया तो आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। मेरे पास फोटो नहीं उनका, कितनी बार बताऊं आपको? फिर लिया बताऊं? करण जी, करण जी, करण जी, करण जी। अरे छोड़ो, क्या बदतमीजी है। सारा दिन कहां थे तुम? मुंबई आकर तुमने अपनी हरकतें शुरू कर दी। एयरपोर्ट से लेकर यहां तक तुमने जितना मुझे परेशान किया है, मैं सारी जिंदगी राजनीति में उतना परेशान नहीं हुआ। अरे ये सब छोड़िए और मेरी सुनिए करण जी, करण जी, करण। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, आज मुझे मेरी मंजिल मिल गई। अरे ये कौन सी मंजिल है जो तुम्हें एक दिन में मिल गई? खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आज नहीं बताऊं, कल बताऊंगा, कल बताऊंगा। हे भगवान, या तो इसको अकल दे दे या मुझे दीवाना कर दे। राजकुमार गोवर्धन, अच्छा खासा महल में हर्षवर्धन के साथ था, इस कमबख्त ने इस घटिया शहर में लाके फंसाई दिया। मौका मिलेगा तो लेके भागी जाऊंगा मैं। राजकुमार गोवर्धन, अरे कहाँ हैं आप?
मैं बस्ती भारत नगर जा रहा हूँ। हेलो, आप यहाँ कैसे? मैं गणेश को देखने आया था। कैसा है गणेश? अब काफी ठीक है, आपको बहुत याद कर रहा था। मैं भी आपको बहुत याद कर रहा था। मुझे नहीं, वो क्या है कि इस शहर में, इस अजनबी शहर में पहली बार किसी ने इतनी अच्छी तरह से बात की। वरना कहते हैं इस शहर में कोई किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता, किसी को किसी की परवाह ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ भी बहुत से अच्छे लोग रहते हैं। हमें तो सिर्फ आप ही नजर आई। मैं चलूं, क्लास खत्म होने का टाइम हो गया, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है। ले कालिया, आ गई बस्ती। 300 रुपया निकालो, 300। ए, शेंडी लगाता है क्या? इधर तक आने का 300 रुपए? आपको उन 100 रुपए से जाती नहीं देगा। ए, तेरे को क्या करने का? मैं साहब से बात कर रहा हूँ ना, तू काहे को बीच में बोलती है? ए, ये काली आप उनका दोस्त है? ये तो अच्छा हो मैं इसको सिंगल पे मिल गई। अच्छा बैठ ना, नहीं तो तू इसको अक्खा बम्बई घुमा कर इधर लाता। अरे देखना तू कार्ड, ये देखना मीटर 40 बनता है कि नहीं, और कार्ड का मिला के कितना, 300 होगा कि नहीं। अरे तू इसे वसूल करके तो देख, तेरे चारों टायर में किला मार के पिंचर कर देगी। ये छोकरा देखता है ना, ये आप उनके बस्ती का है। अच्छा अच्छा, चलो बाबा जो देना हो दे दो। चलो क्या जो देना है? अरे जो देना हो दे डालो। अबे चुप, क्या ये ले? कहाँ से माँ बाप ने पैदा कर दिया, शर्म नहीं आती कमर तुम? आ देना तुम खींचो। तेरा जूता? अरे संभाल संभाल के कालिया, क्या इरादा है रे? काहे का इरादा? अरे तेरे को शर्म वरम है कि नहीं है? शर्म तो है रे। एक तो मैं तेरे को संभालती थी, तू मेरे को ही नखरे दिखाता है। क्या बदतमीजी है, आते ही जूता गायब हो गया। कौन सी जलील जगह है ये? ये कौन? अरे अंकल लो तुम्हारा जूता। अरे बैंड मास्टर, किसके यहाँ बैंड बजाने आया है रे? ए, 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 हटो हटो, क्यों परेशान कर रहे हो सर्कस वाले आदमी को? हाँ सर्कस? सर्कस कहने वाले का हमारे यहाँ सर्कस दिया जाता है। जंगूरी क्या? सोना गरीबों के लिए बना के रहूंगा, इंशाल्लाह जरूर बनेगा। करण जी, ये सब क्या है? ये सब आपकी मेहरबानियों का नतीजा है। कैसे? आप मुझसे पूछे बगैर फिर होटल से निकल आए। सॉरी करण जी, इस बस्ती को देखने की तमन्ना में हमें रात भर नींद नहीं आई, इसलिए हम चले आए। इस बस्ती को देखने की तमन्ना में? अरे क्या रखा है इस बस्ती के अंदर, एक नंबर के जलीलो बेहुदा किस्म के लोग रहते हैं यहाँ पर। हमें देखते हमारा मजाक उड़ाने लगे। हम क्या मजाक उड़ाने की चीज है? क्या है ना करण जी, आप अभी अभी आए हैं ना, इसीलिए आपको ऐसा लगता है, वरना बस्ती के लोगों के दिलों में तो बस प्यार ही प्यार है। प्यार ही प्यार नहीं, मार ही मार है। जब से मैं आया कोई धक्के मार रहा है, कोई गेंद मार रहा है, ये देखो, और तुम इस नालायक बस्ती की सिफारिश कर रहे हो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग खराब था, यहाँ आकर ठीक हो गया है। यहाँ आके ठीक हो गया? और राजमहल में? वहाँ तो हमें कोई पूछता भी नहीं था, सब बेवकूफ समझ के धुतकारते थे, और यहाँ पर हमें सब प्यार करते हैं, हमें सब चाहते हैं। अगर मुझे पता होता कि तुम मुंबई आकर ऐसी बेहूदा हिमाकत करोगे तो मैं हरगिज नहीं आता, भले मुझे मारा शूट कर देते। करण जी, एक बात सोचिए, अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, हम जिस मंजिल की तलाश में हैं। जान में जाए तुम और तुम्हारी मंजिल, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम मेरे साथ होटल चलो। मैं उस होटल में नहीं आऊंगा। क्या मतलब है तुम्हारा, फिर कहाँ रहेंगे हम लोग? अरे चलो 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 बच्चे। अरे पागल करेगा, मैं क्या पूछ रहा हूँ। अरे हम रहेंगे कहाँ पर? कहाँ रहेंगे हम? यहाँ। यहाँ कहाँ? इसी बस्ती में। इस बस्ती में? जी क्यों नहीं रह सकते, जब हजारों लाखों लोग इन्हीं बस्तियों में पैदा होते हैं, इन्हीं बस्तियों में अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं, यहीं मर जाते हैं,
तो हम कुछ दिनों के लिए यहाँ क्यों नहीं रह सकते? क्या हम इंसान नहीं है क्या? क्या लॉजिक लेकर आए सब? थैंक यू। लोग झोपड़ों में रहते हैं और महलों के ख्वाब देखते हैं। ये पहला बेवकूफ देखा है जो महलों में रहता है झोपड़ों के ख्वाब देखता है। वैसे एक बात बताओ, ये अचानक तुम्हारे दिमाग में इतनी अकलमंदी की बातें आई कहां से? इधर क्या है? यहाँ की गरीबी से, इस बस्ती की मिट्टी से। अरे मिट्टी मेरे दिमाग में भर गई है। तुम होटल चलते हो कि नहीं चलते हो? नहीं, हम यहीं रहेंगे। ठीक, फिर तुम रहो यहाँ पर, हमारी जिम्मेदारी खत्म, हम जा रहे हैं रजवाड़े वापस। ठीक है, आप रजवाड़े जाइए, पीछे पीछे हमारी कुछ भी लाश पहुंचेगी वहां पर, फिर महाराज को जवाब देना। अरे 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 अरे, मेरी बात तो सुन। कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं। आज मैं आपको बता दूंगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है। एक मिनट मेरी बात सुनो तो। कुछ नहीं सुनना है। ये मटका देख रहे हो? मटका, हाँ ये देखिए, जिस तरह ये मटका फूटा वैसा ही मेरा सर भी फूट जाएगा। मुझे मालूम है तुम सब कुछ कर सकते हो, आ जाओ नीचे। खाओ मेरे सर की कसम, मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तुम्हारे सर की कसम नहीं जाऊंगा, आ जाओ नीचे। चलिए अब लो जाइए, हमारा जाती मामला है, ये मुंह बंद करो। फोकट का तमाशा करता है। चलो चलो जाओ भाई, चलो। तो कहाँ रहना होगा इस बस्ती में? यहाँ। यही एक खोली खाली है। 20 साल से ये खोली बंद है। 20 साल पहले यही खोली में हम अपनी औरत के साथ सुहागरात मनाने को आया था। देखो, ये कमरा चलेगा? फर्स्ट क्लास, वाह। ये तो भूतों का कमरा है, इसमें कौन रहेगा? अरे क्या बात कर रहे करण जी, आप जैसे बहादुर सुरमा भूतों की बात करते हैं, हम यहीं रहेंगे, यहीं। क्या बात करता है, इस कमरे में? चूहा, अरे वाह। जी 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 जी, अरे क्या मतलब है? कौवा। कौवे ने मुझ पे गलाजत छिड़क दी, तुम हंस रहे हो? गलाजत नहीं, कौवा हगा। गुड लक। क्या है, कौवा हकता है तो गुड लक बोलते हैं। तेरी तो कौवे की तो तुम लोग मेरा खाली पीली टाइम वेस्ट मत करो। तुम लोगों को इधर रहने का है कि नहीं? बिल्कुल नहीं रहना। बिल्कुल रहना, बिल्कुल, हम इसी कमरे में रहेंगे। ये लीजिए एडवांस। क्या देख रहे हैं आप? हम जाता है, कोई चीज का जरूरत हो तो हमको आवाज देना, हम नीचे ही बैठे रहे। कौवा हगा, गुड लक बैंड मास्टर। गोवर्धन, ये सब क्या हो रहा है? देखो अपनी बेवकूफियां कम कर दो, वरना मैं महाराज को फोन कर दूंगा, वो खुद आएंगे, तुम्हारा दिमाग ठीक कर देंगे। अरे मैं तुमसे कह रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा है? अरे अगर तुम चाहते क्या हो? दिल। दिल? दिल उस लड़की का, जिसके कारण हम इस बस्ती में रहेंगे। कौन सी लड़की? वही जो हमें सड़क पर पहली बार मिली थी, वही जो इस बस्ती में गरीब बच्चों को पढ़ाती है, वही जो हमारे दिल में समा गई है। तुम्हारा मतलब वो स्कूल टीचर जो बच्चों को पढ़ा रही थी? हाँ करण जी, वही। जिस दिन हम उस लड़की का दिल जीत जाएंगे, उसी दिन हम रजवाड़ा वापस चले जाएंगे। ये एक राजपूत का वादा है। महाराज ने किस मुसीबत में फंसा दिया है ये सनकी आशिक? महलों से इश्क़ करने आया झोपड़ों के अंदर, क्या मुसीबत है? करण जी, करण जी, आपको मेरी मदद करनी होगी। हाँ क्या है? क्या क्या है कि नहीं, आप दीवान, दोनों यहाँ गरीब हैं, बंबई आए नौकरी की तलाश में। नौकरी? हाँ, भारती के चचा है ना, उनकी लॉन्ड्री है, वहां हम काम करेंगे। लॉन्ड्री में क्या? हाँ, काम करेंगे? धोबी बनेंगे, धोबी। धोबी धो धोबी। देखो क्या कि उसको अमीरों से नफरत है, गरीबों से प्यार है। देखो अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं जाकर आत्महत्या कर लूंगा, मैं चढ़ जाऊंगा ऊपर। चढ़ जाऊं? चढ़ जाऊं? नहीं नहीं, देखो एक बार अगर कहीं महाराज को पता चल गया कि हम लोग इतनी गंदी बस्ती में रहते हैं और धोबी की नौकरी कर रहे हैं, तो
मालूम है, मालूम है, मालूम है, हमको सब मालूम है। परंपरा के अनुसार आप अपनी बेटी जयश्री को शादी के बाद पहली बार घर ले जाने आए हैं, और परंपरा के ही अनुसार हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे आपके साथ जाने दें। क्यों रानी साहिबा? जब देखो तब परंपरा परंपरा, आप तो बस परंपरा में ही उलझे रहते हैं। समधी जी, बहू से चंद दिनों में इतना दिल लग गया है कि उसे अलग करने को मन ही नहीं करता। अरे बेटी, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। और हमारे दामाद कहाँ हैं? बेटी, तुमने हमको बताया नहीं? हम बताते हैं, हम बताते हैं। पिताजी ने हमें जंगली घोड़े पर चढ़ा दिया था। इससे पहले कि हम उससे दोस्ती करते, उसने हमें गिरा दिया। पर ज्यादा कुछ नहीं हुआ, हाथ और पैर में चोट आई है, बाकी सब ठीक है। बेटे, हम खानदानी रस्म अदा करने आए हैं। जयश्री को कुछ दिनों के लिए ले जाना चाहते हैं। ले जाइए, ले जाइए। नहीं पिताजी, इनको इस हालत में छोड़कर मैं यहाँ से जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। हा? जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, मैं यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊंगी। हाँ देखा जी, क्या हीरे जैसी बहू दी है भगवान ने हमें। मेरे बेटे की तकलीफ में एक पल भी उसे जुदा नहीं होना चाहती। अरे माफ कीजिए, मुझे जरा आराम की जरूरत है। आप आराम कीजिए। ये हर्ष भैया ने हमें कहाँ फंसा दिया, ना वो आते हैं ना ये जाती है। अच्छा हम चलते हैं। कौन जतन जल्दी हो मिलन, करु कौन जतन जल्दी हो मिलन, सुनते हो सजन छननन 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 छन छन, मेरी चूड़ियां बजे, मेरी चूड़ियां बजे, मेरे हाथों में, मेरे हाथों में, करु कौन जतन
शांति हवा आप भी आइए। परसों से करण जी हमें यूं जगाते आए हैं, आज हम उन्हें वैसे ही जगाएंगे। श्री करण सिंह जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बैंड मास्टर। गुड मॉर्निंग बैंड मास्टर। आज 7 दिसंबर 1991 सुबह के 8 बजे हैं। आज का प्रोग्राम क्या है? शाही बिस्तर से उठकर आप शाही गुसलखाने की तरफ जाएंगे और नल जिससे कतरा कतरा पानी आता है, बिना साबुन लगाए नहाकर दांत ब्रश करने के बजाय सिर्फ कुल्ली करके तैयार होंगे और नाश्ता करेंगे। जी नाश्ते में आपको वड़ा पाव, इडली सांभर, मेदूवड़ा चटनी, प्याज के भजिए, अदरक की चटनी, बम्बई के सारे बेहतरीन नाश्ते पेश किए जाएंगे। नाश्ता करने के बाद आप 4 लिमिटेड बस पकड़ के चावला की लॉन्ड्री में जाएंगे, वहाँ आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में पास होने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। इसके बाद का प्रोग्राम जी पेश किया जाए नाश्ता। मेरे कपड़े अभी लाया सर।
दे रहे हैं सर। ये किसके कपड़े? आपके। तो ये क्या? छेद। और ये? ये भी छेद। तो ये इतने बड़े बड़े छेद हैं तो छुपाएंगे क्या? ये छेद पहले तो नहीं थे? मैंने थोड़ी किए। तो किसने किए? माफ करना साहब, वो क्या है, इस होटल में चूहा लोग बहुत है ना, उनको बाहर खाने को कुछ नहीं मिलता है, इसलिए इस होटल में आके गिराक लोगों का कपड़ा खाया जाता है। लेकिन तुम फिकर मत करना, ये कपड़ा देखो हम भाड़े पे देता है, हर स्टाइल का है और हर साइज का है, तुम लोगों को एकदम फिट आएगा। अरे सब लोग लेता है, चूहा खाता है कपड़ा लेता है, चूहा खाता है कपड़ा लेता है। अब ये कपड़े पहनने पड़ेंगे। अच्छा तुम एक काम करे, रख दो, हम छांट के ले लेंगे। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्चों बाकी कपड़े नीचे लेके आना। जूते चाहिए तो भी है? नहीं आज के लिए इतना काफी है, जूते बाद में खा लेंगे, नहीं पहन लेंगे। ओके और कुछ? हाँ एक जरूरी काम था। क्या? तुम जाओ यहाँ से। ओके ओके, शाबाश मेरे अमिताभ, वारे मेरे जितेंद्र, जीते रहो राजेश। शाबाश रे मेरे बच्चे लोग, ऐसा ही गिराक लोगों का कपड़ा खाते रहना। नमस्ते चावला साहब। कहिए जी। मैं, अरे आप कब आए? चाची जी मैंने आपको इनके बारे में कहा था ना, ये राजा है। और आप? करण सिंह जी, मेरे दोस्त, खानदानी धोबी। ये इज्जतदार खानदानी लोग हैं, वक्त के मारे हैं बेचारे, नौकरी की तलाश में बॉम्बे आए हैं। पहले किधर काम करते थे? विक्रम लॉन्ड्री में। ये किधर है? रजवाड़े में। रजवाड़े यानी कि हमारे गांव में, हमारे गांव का नाम रजवाड़ा है। चलो ठीक है, भारती के कहने पर तुम दोनों को काम पर रख लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, यहाँ से रोज मैले कपड़े जमा करके धोबी घाट ले जाना, वहाँ कपड़े धोना सुखाना इस्तरी करना वगैरह वगैरह तुम्हारी नौकरी में शामिल है। मामूली काम है। नहीं क्या मामूली काम, मैं 84 गांव का दीवान हूँ, यहाँ के धोबी का काम। 84 गांव क्या? इनका मतलब है 84 गांव के कपड़े धो चुके हैं। ये क्या है, मामूली धो चुका। ये तेरा दोस्त साला कुछ अकड़ू किस्म का आदमी दिखाई देता है। अकड़ू नहीं है, नारियल है, ऊपर से कड़क अंदर से नरम, और फिर सीनियर धोबी है ना, इसलिए इनके बात करने का अंदाज ऐसा है। तुम दोनों को 350 रुपए पगार मिलेगी। बस दिन का सिर्फ 350 रुपया रोज की, कहीं के राजे महाराजे हो हैं? तो ये नकली नोट छापने की नौकरी नहीं है, मैले कपड़े धोने की नौकरी है, रोज की, अबे महीने की। हाँ नाश्ता घर से करके आना, रोज 2 कप चाय 2 बीड़ी अपनी तरफ से। बीड़ी हमें मंजूर है। सुना, रोज 2 कप चाय 2 बीड़ी 350 रुपया महीना, मजा आ गया। 3.5 लाख रुपए महीने जिस राजकुमार पर खर्च होता है, वही नालायक 350 रुपए की तनख्वाह में झूले की तरह झूल रहा है। Hi everybody. अरे आ गया मेरा हीरो। Here comes Prince Charming, Prince of Bombay, your humble servant, Jack. आओ मेरे प्रिंस, मेरे शहजादे, मेरे नवाब, क्या स्टाइल है, क्या अंदाज है। ओह थैंक यू अंकल। हाय भारती। हेलो जैक। हाय क्या स्माइल है, क्या पर्सनालिटी, यू नो आई गो मैड, यू आर फैंटास्टिक। ओवर एक्टिंग मत किया करो जैक। अरे भाई जैक, ये सब तोहफे किसके लिए हैं? ओ अंकल, ये भारती के स्कूल के बच्चों के लिए कॉपियां, किताबें, चॉकलेट्स वगैरह हैं। आप तो जानते हैं अंकल कि मैं उन बच्चों को कितना प्यार करता हूँ। कम ऑन भारती डार्लिंग, लेट्स गो। नहीं नहीं, मुझे अकाउंट चेक करने। अरे अकाउंट्स रहने दे, मैं चेक कर लूंगा, तू जा जा। कम ऑन डार्लिंग, कम कम, लेट्स गो, कम ऑन अंकल, वो प्रेजेंट्स ले आना। बाय चाचा जी। सुनो, यही तुम्हारी मंजिल है? और तुम्हारी मंजिल को पहले दिन कोई लेकर उड़ गया? शहर की बहुत बड़ी हस्ती है गुलशन का बाप, कमानी बिल्डर्स का चेयरमैन, ये इनका इकलौता बेटा है, सभी जगह पहुंच है इनकी। भाई ये लड़का भारती को बहुत चाहता है। ये लो, ये भी लो, ये तुम्हारा।
क्या है? एक चॉकलेट और दो ना। लो ना। और ये तुम्हारा। थैंक यू टीचर। अब क्या है? अंकल थैंक यू, एक पप्पी दो ना। पप्पी दो ना। दरवाजे से गंदा कहीं का साला शिट। तुम शिट। गंदा जवाब देता है। ये कॉलर ठीक रखा करो। साले एक झापड़ मारूंगा ना तो तेरी शिट यहीं निकल जाएगी। भाग ऐसे। क्या हुआ? रो रहा है, रो रहा है। अरे रहीम क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ये अंकल गंदा है, मुझे मारता है। क्यों मारा इसने? हमने पप्पी मांगी, अंकल नहीं दिए। पप्पी नहीं दी? कोई बात नहीं बेटा, अभी देंगे। कम ऑन जैक, बी अ स्पोर्ट, एक बच्चे का दिल मत तोड़ो जैक। प्लीज जैक दे दो ना। श्योर, एनीथिंग फॉर यू। थैंक यू। पहले तुम देना, उसके बाद वो भी देंगे। हाँ बैठो, चलो अच्छी पप्पी दो, अच्छी सी पप्पी। हाँ अब वो भी तुम्हें देंगे, चलो जाए। हाँ प्यारी सी पप्पी। हाँ आओ बच्चों, चलो आपको भी पप्पी दो। सो मैनी। श्योर। चलो चलो बच्चों, पपिया काफी हो गई, अपनी अपनी जगह पे वापस। अरे 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 क्या हुआ जाए, क्या हुआ? कुछ नहीं भारती, इन बच्चों का प्यार देख के मेरा दिल भर आया है। चलो भारती मुझे यहाँ से ले चलो, वरना मैं रो पड़ूंगा। हेलो राजा, बाय। प्रिंस, मुझे कुछ आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे। इससे पहले कि कोई दूसरा आकर तुम्हारे प्यार को लूट कर चला जाए, कह दो कि तुम उससे प्यार करते हो। दिल की बात बता दो, बता दो अपने दिल की बात। नहीं करण जी, मैं उसे असलियत बताकर नहीं, मैं एक आम आदमी की तरह रहकर उसका दिल जीतना चाहता हूं। और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी होगी, बहुत जल्द होगी, पर उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अरे मर, कितना शोर, अरे कितना शोर मचा रहे हैं लोग। ए, अरे क्या करता है तू? अरे देखते क्या है मौसी, उठा साले की बाल्टी और फेंक। उठा के बाल्टी फेंकती हूँ तेरी। हट जा। ए, चल उठा बाल्टी, ला इधर। काय को मुंह लगता है? करंजी पे हाथ उठा। समझा था और निकला कुछ और। मार दिया पापड़ वाले। मैं भी कुछ और समझा था, निकला कुछ और। क्या करें करण सिंह जी, अब जा रहे हैं, मुझे अकेला छोड़कर। हाँ, मैं जा रहा हूं तुमको अकेला छोड़कर। और मेरा प्यार? हाँ, आज के बाद तुम प्यार करो, इश्क करो, दिल लगाओ, चाहे जो जी में ऐसे करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं जा रहा हूं।
मुझे छोड़कर आप सच में चले जाएंगे? बिल्कुल चला जाऊंगा। और आपने ही इसी कमरे में मेरा साथ निभाने की कसम खाई थी, क्या उस कसम की कोई कीमत नहीं? अब मेरी नजरों में उस कसम की कोई कीमत नहीं है। ये विक्रमगढ़ का दीवान ठाकुर करण सिंह कह रहा है? हाँ, ये विक्रमगढ़ का दीवान ठाकुर करण सिंह कह रहा है, क्योंकि मैंने कसम गोवर्धन का साथ निभाने की खाई थी। हर्षवर्धन का नहीं, हट जा मेरे सामने से। करण सिंह जी, मैं गोवर्धन नहीं, मैं हर्षवर्धन हूं। मैंने अपनी मां से झूठ बोला, मैंने अपने पिताजी से झूठ बोला, और मैंने आपसे भी झूठ बोला। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने झूठ क्यों बोला। उस बनावटी माहौल में मेरा दम घुटता था। उम्र कैद की सजा काटने वाले पर इतनी पाबंदियां नहीं होती जितनी पाबंदियां मुझ पर लगी थी अपने ही घर में। आप बताइए, क्या मैं इंसान नहीं हूं? क्या मेरे सीने में दिल नहीं है? इस दिल को किसी को चाहने, उसे चाहकर अपना बनाने का हक नहीं है? करण सिंह जी, मेरे पैरों में मेरी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती शादी की बेड़ियां बांधकर मुझे राजगद्दी पर बिठाया जा रहा था, इसलिए मैं गोवर्धन का बहाना बनाकर वहां से भाग निकला। बस यही खता थी ना मेरी। करण सिंह जी, मैं एक बात खास तौर पर आपसे कहता हूं, अगर पिताजी नाराज हो जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, अगर मां नाराज हो जाए, भाई मुंह मोड़ ले, मैं सह लूंगा। लेकिन अगर आप मुझे छोड़कर चले गए तो आपके सर की कसम मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं जान दे दूंगा। क्या बोला? जान दे देगा? सारी जिंदगी एक इतने से बच्चे को पाल पोस कर अपनी मेहनत से इतना बड़ा पेड़ बनाया, वो जब उसके मन में आएगा वो जान दे देगा? किसके लिए की मैंने इतनी मेहनत? अरे मैं उस मौत को मार डालूंगा जो तेरे करीब आएगी। मगर बहुत बदमाश है तू, बहुत बदमाश है तू। तू जानता है कि मैं तेरे बगैर एक पल नहीं रह सकता, इसलिए तू मुझे जज्बाती बातों में बहाकर मेरे पैरों में बेड़ियां डालकर मुझे जाने से रोक रहा है। आप जाकर तो देखिए करण जी। क्या आ जाऊंगा, देख क्या चीज है ये आंसू भी। ऐसा लगता है जैसे बरसों का बुखार जो मन में भरा हुआ था, इन दो कतरे आंसू में बह के निकल गया। नहीं जाऊंगा, जब तक तुझे तेरा प्यार नहीं मिल जाता, मैं यहां से जाने का नाम तक नहीं लूंगा। ये इंसान दिल के हाथों मजबूर है, और दिल के हाथों क्यों मजबूर है वो सिर्फ दिल जानता है, क्योंकि दिल ही तो है। अरे राजा, 503, 506 और 507। तू से जाके कहता ना कि तू उससे प्यार करता है। ये आपका अरे राजा जी, इसे भी ले आओ। नहीं कह सका ना, तू खाली वहां जाता और हवा खा के वापस चलाता है। अरे तू उससे कहता कि नहीं कि तू उससे प्यार करता है? डर लगता है कहीं काम ना बिगड़ जाए। अरे क्या काम बिगड़ेगा, धोबी तो बना दिया, अब इससे ज्यादा क्या बनाएगा, चल जा। अरे वारे ऊपर वाले, तेरा भी जवाब नहीं ऊपर वाले,
छोकरी न मिली नौकरी मिल गई, स्त्री न मिली स्त्री मिल गई। ला 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 ला। जाए
चावला लॉन्ड्री। चावला, मैं कमानी बोल रहा हूँ। कमानी साहब, गुड मॉर्निंग सर, कहिए क्या हुक्म है? भारती का जन्मदिन है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम एक आलीशान पार्टी दो। मगर कमानी साहब, आलीशान पार्टी के लिए एक शानदार जगह चाहिए, ढेर सारे रुपए चाहिए, ये सब मैं कहां से करूंगा साहब? पार्टी मेरे गेस्ट हाउस में होगी और सारा खर्चा मैं भरूंगा। जब खर्चा आप कर रहे हैं तो चर्चा करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, हम बहुत शानदार पार्टी देंगे। लेकिन इस पार्टी में मेरे बेटे जैक की भारती से सगाई का ऐलान हो जाना चाहिए। तुम्हारी तरफ से कोई चूक हुई तो समझे ना। अच्छा जी, ओके। सुनो, इधर आओ। जी। कल भारती के जन्मदिन के मौके पर मैं एक आलीशान पार्टी दे रहा हूं अपने खर्चे पर। तुम दोनों वहां मेहमानों की देखभाल करने जरूर आना, कपड़े साफ पहनना, और खाना वहां मेरी तरफ से खाना, मेरी तरफ से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर भारती। बात यह कमानी साहब, इश्क भी क्या क्या रंग दिखाता है। राजा को धोबी बनाता है और मंत्री से वेटर का काम कराता है। यही है वो दोनों। कौन? जिन्होंने बस्ती में गंगुआ को मारा था। अच्छी लग रही ना जी। दोस्तों, आज मेरी भतीजी भारती की सगाई का शुभ दिन है। भारती की सगाई सेठ कमानी के प्रिंस, कमानी खानदान के शहजादे जैक उर्फ गुलशन कमानी से होगी। मुबारक हो, मुबारक। बधाई हो। किससे पूछकर आप मेरी मंगनी जैक से कर रहे हैं? इसमें पूछना क्या है? बेटी अगर जवान हो जाए तो उसका घर बसाना, उसका ब्याह करना हर बाप का फर्ज होता है। और क्या बाप का ये पूछने का फर्ज नहीं बनता कि जिसके साथ उसकी बेटी की मंगनी कर रहे हैं उसे लड़का पसंद है भी कि नहीं? क्या कमी है जैक में? खानदानी है, रईस है। सिर्फ रईस है, दौलत वाला है, इसीलिए आप मुझे उसके पल्ले बांधना चाहते हैं। इसलिए तुम बार बार मेरे स्कूल के बच्चों के लिए तोहफे लाकर मुझे इंप्रेस करते थे। नहीं नहीं भारती, वो तो शट अप। भारती लड़कियों में से नहीं है जो दौलत का चश्मा पहनकर सामने वाले की शक्ल भुला देती है। तुम मेरे दोस्त थे, हमदर्द थे, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। नथिंग मोर। भारती, दोस्ती का दौर खत्म हुआ, अब तो जीवन साथी बनने का दौर शुरू हुआ है। भारती, तुम इसे धमकी समझो या मोहब्बत, मैं सगाई तुम इसे करूंगा, वो भी आज इसी वक्त यहाँ सबके सामने। देखता हूँ किस में हिम्मत है जो मुझे रोक सकता है। ये क्या बदतमीजी, जैक छोड़ो। शट अप, ये बदतमीजी नहीं है, ये सगाई की रस्म है जो आज पूरी होके रहेगी। चाचा जी, अबे ओ धोबी की औलाद, अबे खड़ा मुंह क्या देख रहा है, अंगूठी उठाकर इधर ला। अबे बहरा है क्या, अंगूठी उठाकर इधर ला, जल्दी, कम ऑन, कम ऑन। उठ की तरह खड़ा क्या, लाइटर। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, पिस्तौल नहीं सेठ जी, पिस्तौल नहीं। बनारसी, क्यों बनारसी? एक बार पहले भी तो हमारे खिलाफ उस बस्ती से आवाज उठी थी, क्या हश्र हुआ था उस बुढ़िया मौसी के बेटे और उसकी बहू का? बेचारों की लाशें आज तक नहीं मिली, किसी भी बहाने उन दोनों को खत्म कर दो। किल दोस बास्टर्ड। छोड़ो भाई, एक नौकरी गया तो हजार नौकरी मिलेगा, अगर नौकरी नहीं मिला तो हम किस मर्ज की दवाएं हैं?
जो कुछ रूखी सूखी हम खाते हैं खुदा की कसम सारी जिंदगी तुम्हें खिलाते रहेंगे। अरे फिकर काहे को करता है रे, नौकरी जरूर मिलेगा। तुम लोग सूखा सूखा बात करता है, ये लोग फजल से भूखा है। भाकरी का दो निवाला तो खाने दो। हाँ ले खा ले, ले। हाँ ले तू भी ले। मौसी कभी सुना था कि गरीबों की बस्ती में भगवान रहता है, विश्वास नहीं आता था, आज तुझे देखकर विश्वास आ गया। लोग खामखा उसकी तलाश में मंदिरों मस्जिदों में जाते हैं, वो तो गंदी बस्ती के टूटे झोपड़ों में रहता है, तेरे दिल में रहता है वो। छोड़ो भाई, एक नौकरी गया तो हजार नौकरी मिलेगा, अगर नौकरी नहीं मिला तो हम किस मर्ज की दवाए है? जो कुछ रूखी सूखी हम खाते हैं खुदा की कसम सारी जिंदगी तुम्हें खिलाते रहेंगे। अरे फिकर काहे को करता है रे, नौकरी जरूर मिलेगा। तुम लोग सूखा सूखा बात करता है, ये लोग फजल से भूखा है। भाकरी का दो निवाला तो खाने दो। हाँ ले खा ले, ले। हाँ ले तू भी ले। मौसी कभी सुना था कि गरीबों की बस्ती में भगवान रहता है, विश्वास नहीं आता था, आज तुझे देखकर विश्वास आ गया। लोग खामखा उसकी तलाश में मंदिरों मस्जिदों में जाते हैं, वो तो गंदी बस्ती के टूटे झोपड़ों में रहता है, तेरे दिल में रहता है वो। ए, अपना टीचर नहीं आता है? टीचर नहीं, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने आई हूँ। अगर कल आप लोग मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं होते तो शायद चाचा जी मेरी जिंदगी का सौदा कर देते। मुझे इस बात का भी बहुत दुख है कि मेरे कारण आप लोगों की नौकरी चली गई। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तुमने जैक को क्यों मारा? इनसे नहीं बोला जाएगा, ये भूखे शेर को निहत्ते हाथों मार सकते हैं मगर बकरी जैसी लड़की को जवाब नहीं दे सकते। मैं बताता हूँ। नहीं नहीं मैं बताता हूँ। तुमसे क्या बोला जाएगा, दो मिनट की बात को दो महीने लगा दे। चुप रहो, मैं बोलता हूँ। दो मिनट चुप रहिए ना, मैं बोलता हूँ ना करण जी। भारती जी दरअसल वो जो दो नए कबूतर बस्ती में आए वो कहाँ हैं? दुबे, तूने उन दोनों को अपने होटल में रखा था? अपने को क्या मालूम, यहाँ कोई भी रह सकता है, तुम भी रह सकता है, गंगुआ भी रह सकता है, अपने को देखने को टाइम ही नहीं है। क्यों पहलवाई? बनारसी बादशाह, मुझे तो चश्मा लगाकर भी कुछ दिखाई नहीं देता, अक्सर जलेबी की जगह समोसा तल देता हूँ, कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों बड़े मियाँ? मुझे कुछ नहीं मालूम हुजूर, मैं तो सोना बनाने में मसरूफ था, जिस दिन बन गया एक तोला आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। शुक्रिया हुजूर। क्या बे? क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया। ये हाथ हिलाया ना, ये तो अपने आप हिलता है। अब ये थोपड़ा भी हिलने वाला है देख। क्यों बे कारतूस, ये दो गिरगिट कौन है बे? कारतूस से क्या पूछता है बनारसी, बंदूक से पूछना जवाब मिल जाएगा। कौन बंदूक रे? वो तेरे गंगवा को मार मार के चूहा बनाया था ना, किसने? छे 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 छे, क्या करता है बनारसी, मारा मारी करता है या गुदगुदी करता है? ऐसे थोड़ी मारते हैं, ऐसे हाथ वजन डालो और... मास्टर, राजा बनारसिया से भिड़ गया है। अरे क्या हुआ है?
अरे दोनों आमने सामने खड़े हैं। अभी मानो राजा क्या करेगा, मानस जी का हाथ मरोड़ के ऐसा उछालेगा तो जमीन चाटने लग जाएगा। एक दो तीन देख। अरे हाँ, तो बिल्कुल ठीक कहा था। Ah!
क्या ऑर्डर? जिसकी ताकत पर तुम सब लोग नाच रहे थे, तुम्हारा वो बनारसी भी जूते खाकर वापस आ गया। दो आदमी, सिर्फ दो मामूली आदमियों ने उसकी ताकत को कच्चे खिलौने की तरह तोड़कर रख दिया। देखो चावला, या तो भारती को शादी के लिए राजी कर लो, वरना कल सुबह 500 आदमियों को मशीन गन देकर बस्ती में भेज दूंगा। 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी बस्ती को शमशान बना देंगे। राजा अंकल, राजा अंकल, दरवाजा खोलो। राजा, दरवाजा खोलो। बच्चों का स्कूल मत तोड़ो। हमारा स्कूल तोड़ रहे हैं राजा अंकल, उठो। हमारा स्कूल तोड़ रहे हैं राजा अंकल, उठो। हमारा स्कूल राजा अंकल, राजा अंकल, हमारा राजा अंकल, उठो। जिस तरह आज मैंने स्कूल तोड़ा है, उसी तरह इस बस्ती का एक एक घर तोड़ डालूंगा। मैं आखिरी बार कहता हूं, उन दोनों को इस बस्ती से बाहर निकालो, वरना इस बस्ती की एक एक औरत विधवा हो जाएगी और हर बच्चा अनाथ। राजा अंकल उठो, जल्दी दरवाजा खोलो। राजा करण सिंह जी, अगर टीचर दीदी को पता चल गया कि उनका स्कूल टूट गया तो उन्हें बहुत दुख होगा। नहीं बच्चों, मैं तुम्हारे टीचर का दिल टूटने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा स्कूल बनाऊंगा और इस बार कच्चा नहीं, पक्का स्कूल बनेगा। अच्छा चलो चलो चलो, कैसे बनाओगे स्कूल? पैसे से। कौन से पैसे? अपने पैसे से। अपने पैसे से बनाऊंगा। रे मगर अपने पैसे हैं कहाँ? बच्चे का खत्म हो गए? क्या बात कर रहे हैं? खाने को पैसे नहीं है जी। यानी हम वाकई गरीब हो गए? वाह, कल तक हम अपने लिए करोड़ों का महल बना सकते थे और आज गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाने के लिए भी पैसे नहीं हमारे पास। हाँ बिल्कुल, मजबूर हो गए भाई। रजवाड़े भी फोन नहीं कर सकते, वरना महाराज को पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ हैं। अरे नहीं नहीं, रजवाड़े रजवाड़े फोन मत करना, सब गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या? हाँ, अरे पैसों का इंतजाम हो गया करण जी। अरे पैसों का इंतजाम हो गया माँ जी, पैसों का इंतजाम हो गया। अरे क्या? अरे भाई कैसे हो गया? अरे वो है ना पंडवान, उसको हरा कर 25,000 का नाम जीतूंगा और फिर बच्चों के लिए स्कूल बनाऊंगा। समझाइए इन्हें। उनको तो मैं समझा दूंगा, पहले आप समझ लीजिए।
मैं आपको एक शर्त पर उस पहलवान से लड़ने दूंगा। क्या शर्त? देखिए, ये आपकी कहानी बहुत लंबी हो गई है, मेरा सर दुखने लगा है। आप भारती के सामने दिल मजबूत करके, हिम्मत करके, नजरें मिलाकर कहेंगे कि आप उससे प्यार करते हैं। जी ठीक है, बोलूंगा, सारी बस्ती के सामने बोलूंगा। भाइयों बहनों तैयार हो जाइए, आज का दंगल भारत नगर बस्ती के राजा और जामनगर के पहलवान गोरिल्ला के बीच हो रहा है। जीतने वाले को 25,000 रुपए का नगद इनाम मिलेगा। हर्ष, जो दांव मैंने बताया वो याद है ना? हर्ष तू इधर उधर क्या देख रहा है? मार उसको। मर जाएगा। ये तू क्या कर रहा है हर्ष? बस्ती वालों की सारी उम्मीदें तुझसे हैं। मैं उठना, मुकाबला करना, क्या कर रहा है तू? भारती का? भारती आ जाएगी, तू चिंता मत कर। ये पहलवान इस धोबी को कच्चा चबा जाएगा। क्या करता है? तेरा इरादा क्या है? भारती कहां है? वसूल करके आता हूं।
मुश्किल घड़ी थी, मुश्किल घड़ी थी। तू थोड़ी सी शर्मा गई, तू थोड़ी सी शर्मा गई, मैं थोड़ा घबरा गया, दिल ही तो है आ गया, दिल ही तो है। शर्म बेहया, इसीलिए घर से भागी थी तू? केस दो कौड़ी के मामूली धोबी के साथ इस गंदी बस्ती में खुले आम रंगरलियां मनाए? चाची जी, मैं यहाँ रंगरलियां मनाने नहीं आई हूँ, मैं राजा से प्यार करती हूँ। तू वही करेगी जो मैं कहूँगा। क्यों? तेरे बाप ने मरते वक्त तेरी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी थी, तुझे पाल पोस कर जवान करने से तेरा ब्याह होने तक। इसलिए मेरा होने वाला दामाद कोई राह चलता भिखारी या धोबी नहीं होगा, बल्कि वो एक ऊंचे खानदान का लड़का होगा, और वो है चेक। तो फिर आप भी सुन लीजिए, अब मैं बालिक हूँ और अपना भला बुरा सोचने का मुझे कानूनी हक है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरा जीवन साथी सिर्फ राजा होगा। क्या? तेरे जीवन साथी की तो ऐसी की तैसी, तुझे तो मैं साथ लेकर ही जाऊंगा। जब लड़की ने अपना फैसला सुना दिया तो उसके साथ जबरदस्ती करना या उसको उसकी मर्जी के खिलाफ ले जाना गैर कानूनी, इसलिए ये सब मत कीजिए और उसको छोड़ दीजिए। अंकल, I think ये धोबी ठीक कह रहा है, लड़की बालिग है, अपना फैसला सुना चुकी, आप आइए। चलिए। जरा भी हिलने की कोशिश की तो तुम्हारा ये साथी
जिसकी की शक्ल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और जो बड़ा ही चालाक और होशियार बनता है, इसे इस दुनिया से आउट होना पड़ेगा। शाबाश जैक, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आज से मैं भारती को तुम्हें सौंपता हूँ, तुम इससे जब चाहो जैसे चाहो शादी कर सकते हो। थैंक यू अंकल। कम ऑन भारती, छोड़ो इस धोबी को और आओ इधर। भारती को मत जाने दे। वैसे मैं फिर कहता हूँ, इनकी धमकियों से मत डर, भारती को मत जाने दे। राजा, तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तलवारें चल जाएंगी और तेरे साथी की छोटी छोटी बोटियां बनके हवा में बिखर जाएंगी। अरे ये इनकी गीदड़ भक्तियां कुछ नहीं कर सकते। मत जाने दे भारती को, मत जाने दे राजा। जैसे ही मैं हवा में गोली चलाऊं, तलवारें इसकी गर्दन के आर पार कर देना। ठहरो जैक, तुम गोली नहीं चलाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं भारती, तुम ये कदम भूल के मत उठाना, ये लोग तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। चुप रहो। चावला अंकल, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? लड़की को ले जाकर मेरी गाड़ी में बैठाओ। भारती, तुम मेरी जिंदगी की परवाह मत करो। राजा रुक जाओ। बंद कर बे। क्या किया तूने? सारी जिंदगी तपस्या और मेहनत करके मैंने हाथों को फौलाद बनाया, इसलिए कि एक दिन बड़ी सभा में खड़ा होकर बुजदिलों की तरह तू अपने प्यार को लूटता हुआ देखेगा। तो और क्या करता, और क्या करता मैं? भारती की जान बचाने के लिए आपकी जान की बलि दे देता, अपने प्यार की सूली पर आपको चढ़ा देता। कैसे कैसे मरने देता मैं आपको? मेरे गुरु, मेरे मां बाप, सब कुछ आप ही तो हैं। अपने प्यार के लिए क्या मैं आपकी जिंदगी पर कफन चढ़ा देता? बड़ा कम जर्फ होता है वो प्यार करण सिंह जी, बड़ा कम जर्फ होता है वो प्यार जो अपने बुजुर्गों का खून बहाकर अपने प्यार के माथे पर तिलक लगा दे। ये हाथ, ये शरीर जिनको आपकी परसों की तपस्या ने फौलाद बनाया था, वो आपकी जान खतरे में देखकर मजबूर हो गया तो उसे जी मजबूर हो गया। ये तो जानता था कि तू एक बहादुर है, मेरी इज्जत करता है, मगर इस फौलादी सीने में इतना जज्बाती दिल है और वो दिल मुझे इतना प्यार करता है, वो मैं नहीं जानता था बेटा। मुझे नहीं मालूम था बेटा, मेरा शेर बेटा। क्या बात इंस्पेक्टर साहब? चल चल चल। सर, ये नशीली दवाइयाँ संसार होटल के रूम नंबर 2 से मिली हैं। सर, ये चरस और कोकीन मिला है। चरस और कोकीन? कमरा नंबर 2 में कौन रहता है? ये दोनों रहते हैं। क्या जवाब है इसका? गलत है, झूठ है, सरासर इल्जाम है। हमको फंसाने के लिए चाल चली गई है और आप जो इल्जाम लगा रहे हैं वो भी गलत है। अरे वाह, खुलेआम सबके सामने ये नशीली दवाइयां तुम्हारे कमरे में से मिली हैं, इसमें चाल क्या है? झूठ मूठ दिखावे के लिए बस्ती वालों की हमदर्दी हासिल करते रहे और अंदर ही अंदर छुप छुपा कर कोकीन जैसी नशीली दवाइयों का धंधा करते रहे। बकवास कर रहे हैं, झूठ है ये कोकीन हमारा नहीं है, इन लोगों ने जानबूझकर इसे हमारे कमरे में रखा है। ये उसका रोल। ज़बान संभाल के, ये जनता के चुने हुए बाइज्जत लोग हैं और हम सरकारी मुलाजिम, तुम्हें जो कुछ कहना अदालत में कहना या नहीं। पहले ये बताओ कि तुम दोनों कहां से आए हो और इस धंधे में तुम्हारे साथ कौन कौन मिला हुआ है?
सुना नहीं तुमने? मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम लोग और कहाँ से आए हो? इंस्पेक्टर, ले चलिए इन्हें और बंद कर दीजिए हवालात में। जाओ हवलदार, ले चलो इन्हें। Cheers! Cheers! आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। भारती हमारे कब्जे में है और वो दोनों तौबे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिए गए। बस्ती की जमीन पे कमानी टावर बनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल, अब हमारा ये सपना साकार होकर रहेगा। चावला अंकल की भी साथ देनी है, राइट? कितने बरसों से जमीन हासिल करने के लिए अपनी भतीजी को डरा धमका के रखा। इसमें क्या शक है? इसमें क्या? आरती को शक नहीं होना चाहिए। हा? ये टेरेस फ्लैट आपका, ये वाला, और ये इधर से देखिए, अच्छा दिखेगा, ये आपका। मेरा, थैंक यू सर। और चावला, रही तुम्हारी और हमारी बात, तो वो भारती और जैक की शादी के बाद, यानी कि जैसा हमने तय किया था। राजकुमारी जयश्री की गोद भराई की रस्म कितनी धूमधाम से मनाई जा रही है ना? स्वस्ति अस्तु, सुमंगलम अस्तु, सौभाग्यवती भव, सुपुत्रवती भव। लड़का होगा लड़का। आओ बेटा हर्षवर्धन। पिताजी सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अच्छा ये पूछ रहे हैं क्या हो रहा है। अरे भाई इधर आओ, हमारे गले लग जाओ, गले लग जाओ हमारे। अजी साहब, तुमने हमारे घर में खुशियां भर दी हैं, हमें दादा बना दिया, अपनी माँ को दादी बना दिया, इस रियासत को नया वंश दे दिया। अरे अरे हर्ष, हर्ष बेटा क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, तू ठीक है हर्ष? पिताजी हम तो ठीक है, पर ये सब ठीक नहीं। पिताजी रोको रोको, ये सब गलत है, ये गोद भराई की रस्म झूठी है माँ, ये रस्म झूठी है माँ। कोई नहीं आएगा, कोई दादा नहीं बन रहा, कोई दादी नहीं बन रही माँ, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। हर्ष ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये कोई मौका है भोंडी मजाक करने का? पागल हो गए तुम? नहीं पिताजी, हम पागल नहीं हुए, पर बहुत जल्द हो जाएंगे। इन सब से कहिए कि चले जाएं यहां से, चले जाएं यहां से। जगराज जी, मेहमानों को बाहर ले जाइए। जी चलिए। हम क्या करें माँ? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बताती हूँ पिताजी, इन्होंने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है। ना ही मैं माँ बनने वाली हूँ, ना ही आप दादा, और ना ही रानी माँ दादी। क्या? मगर फिर तुमने हमसे कैसे कहा कि तुम्हें? इसलिए पिताजी कि मैं भी एक औरत हूँ, इस घराने की बहू हूँ, मैं इनकी पत्नी हूँ। आप सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया, इज्जत दी, सम्मान दिया, मगर इन्होंने मेरे पति होकर मुझे आज तक पत्नी का दर्जा नहीं दिया। मैं शर्मिंदा हूँ पिताजी कि बेटी होकर ऐसी बेहुदा बात अपनी जबान से कह रही हूँ, मगर मैं क्या करूँ? आपकी बहू होने के नाते मेरा भी एक धर्म है कि आपके खानदान और वंश को आगे बढ़ाओ। बस इसीलिए मैंने ये सब ढोंग रचाया था, ताकि मैं अपने पति को, उसके प्यार को पा सकूं। अब जवाब दो, क्या हमने तुम्हारा विवाह जयश्री के साथ जबरदस्ती करवाया था? जी नहीं। क्या तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जयश्री तुम्हारे पल्लू बांधी गई थी? जी नहीं।
उसे शादी के लिए पसंद किया किसने? जी हमने। शादी करने को राजी हुआ कौन? जी हम। तो हम ये क्या सुन रहे हैं? बहू ये क्या बोल रही है? उसके साथ ये जुल्म, ये अन्याय, ये अत्याचार क्यों? क्यों? बोल बेटा। आप चुप रहिए महारानी साहिबा, हम इससे पूछ रहे हैं। हम अपनी बहू की आंखों में आंसू देखना पसंद नहीं करते। जवाब दो, बात क्या है? पिताजी ये सच है कि हमने जयश्री को पसंद किया, उसे चाहा, पर आपने ऐलान में सबके सामने ये कहा कि इसकी शादी हर्षवर्धन के साथ हो रही है, इसलिए हम इससे दूर दूर रहे। दूर दूर रहे? इसकी शादी हर्षवर्धन के साथ हो रही है? तुम ये क्या कह रहे हो? हम ठीक कह रहे हैं पिताजी, जयश्री के फेरे हमारे साथ हुए, पर नाम तो हर्ष भैया का ही लिया जा रहा था ना, तो फिर हम इसके करीब कैसे कैसे जाते? करीब कैसे जाएं? हर्ष के साथ विवाह हुआ था, फेरे हमारे साथ हुए थे। क्या बकवास कर रहा है तू? तू हर्ष नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हम हर्षवर्धन नहीं है, तुम गोवर्धन है। गोवर्धन चंद्रभान सिंह। खम्मा गणी महाराज। बंदूक लाओ। नहीं पिताजी नहीं। हट जाओ बेटी, इस धोखेबाज को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हट जाओ। नहीं, ये मेरे पति है, मेरा सुहाग है ये। भले इन्होंने मुझे अपनी पत्नी न समझा हो, मगर मैंने तो इन्हीं को अपना पति माना है, इन्हीं को अपना भगवान। मुझसे मेरा भगवान मत छीने पिताजी, मत छीने मुझसे मेरा भगवान। इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा धोखा दिया गया हमें कि हर्षवर्धन हमारी आंखों के सामने धूल झोंक कर निकल गया, और उसकी जगह ये गोवर्धन, ये बेवकूफ यहां। हर्ष, जिस पर हमने सारी जिंदगी मेहनत की, उसने हमारे सपने बिखेर दिए, हमारे सारे अरमान जलाकर राख कर दिए। हमारा चंद्रभान सिंह। जी महाराज। हम आज ही बॉम्बे जाएंगे, हमारा बॉम्बे जाने का अभी इसी वक्त इंतजाम किया जाए। मैं सोचती हूँ हम भी बंबई जाएंगे, लेकिन बाद में। मुझे तो इसी बात की चिंता है, कहीं ये मेरे हर्ष के साथ बुरा सुलूक न कर बैठे। मैं देखती हूँ बेटा। जयश्री, जयश्री हमें माफ कर दो। जयश्री, हमने तुम्हें बहुत कष्ट दिए। हमारा ऐसा हाल होगा, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। ये तो झांसी की रानी निकली। भैया, भैया तुम कहाँ हो? महल में फूल की पत्तियों का बिस्तर होता था, वहां तुझे नींद आती थी? नहीं। वो शाही खाने होते थे, भूख लगती थी तुझे? तुम लोगों ने इन दो धोबियों को बस्ती में रखकर हमको चुनौती दी थी। अपने ही हाथों से अपनी कब्र खोदने वालों, अब भुगत तो अपने किए का फल। अरे कोरट ऐसा ऑर्डर कैसा दे सकता है? 48 घंटे में बस्ती खाली करो। अरे बस्ती की जमीन तो भारती की है। अरे ओ गंगवा, जरा बांट दे इनका भारती और गुलशन की शादी के कार्ड। ले बुढ़िया, पढ़ अपने हाथ से ले। अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता।
कोई अवतार नहीं आएगा, कोई अवतार नहीं आएगा तुम लोगों को बचाने। मैं आई कमिंग योहानस। योहानस, आपके बेटे राजकुमार हर्षवर्धन और ठाकुर करण सिंह का पता चल गया है। कहाँ हैं वो दोनों? मैं जानता हूं ये सब मुसीबतें आप मेरे वजह से झेल रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं? उस दिन अगर मैं बस्ती में अपनी असलियत बता देता कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, तो मैं अपनी मोहब्बत खो बैठता। मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं, क्या बात करता है तू? ये सजा तो मामूली है, मैं तेरे लिए तो फांसी की सजा झेलने को तैयार हूं। तुम दोनों की सजा खत्म हुई, तुम दोनों की जमानत हो चुकी है, चलो बाहर चलो। जमानत? हमारी जमानत कौन दे सकता है? नहीं, ये पुलिस स्टेशन है, चुप, यहां खून खराबा नहीं हो सकता। राजा, राजा, ये भारतीय और जैक की शादी का कार्ड देख। और ये 48 घंटे में बस्ती खाली करने का नोटिस। भारती का लगन उस बदमाश के साथ जबरदस्ती से करवा रहे हैं, उसे डरा धमका के उसे बचा लो राजा। करण सिंह, हर्ष, करण सिंह, अरे जाने दो, पर मुझे तो उठाओ। राजा, राजा, सुन सुनिए, आप इसकी माँ है क्या? हाँ, मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरा राजा बेटा है। राजा, तो फिर महल में जो हमारे साथ रहती है वो कौन है? भाई साहब सुनिए सुनिए, आप लोग कौन है? अरे छोड़ यार, फिर कभी, अभी टाइम नहीं है। यार बोलता है, हम राजा हैं, राजा है? है? राजा, अरे रोज रात को दारू पीकर हम भी अपने आप को राजा समझते हैं। अरे हटो हटो ना भाई, जाए दे। अरे राजा साहब, अरे टेबल तो हटाओ, मैं आधे कलाक से कचरे की तरह इसके नीचे दबा हुआ हूँ। खरोश, आप लोग मेरी शादी जैक से सिर्फ इसलिए करवाना चाहते हैं ना कि वो बस्ती की जमीन जो मेरे नाम है वो आप लोगों को मिल जाए। जिस रात राजा गिरफ्तार हुआ और आप लोग शराब पीकर जश्न मना रहे थे, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली थी। शादी के बाद सबसे पहले कमानी मुझे खत्म कर देगा और अपने बेटे के नाम सारी जमीन कर देगा, और उसके बाद एक एक करके आप तीनों का सफाया कर देगा। चौंक गए ना, लेकिन जब बस्ती उसके बेटे के नाम हो जाएगी तो वो आप लोगों को क्या हिस्सा देगा और क्यों देगा चाचा जी? क्योंकि हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं। आप लोगों के पास कोई लिखित सबूत है या किसी कोर्ट के कागज पर कुछ है? नहीं नहीं नहीं, नहीं ना। एक मिनट, ये कोर्ट के कागजात हैं, इन पर आज मैं लिख कर देती हूँ कि आप तीनों और मैं इस जमीन के बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब मेरी शादी जैक से नहीं राजा से होगी। जैक, भारती को नीचे आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं जाऊं उसे बुलाने? नहीं, तुम बैठो, लगता है इसे लाने मुझे ही जाना पड़ेगा। ए पंडित, ए, ये मंत्र मंत्र बंद करो, वो वरमाला इधर लाओ, लाओ। देखो पहले वरमाला, फिर इमीडिएटली फेरे, बाकी सब कट। ए पंडित, जल्दी से आखिरी मंत्र पढ़ो। रुक रुक रुक। तुम राजनीति में तो ये सब करना ही पड़ता है। मारो सालों को। बस्ती खाली करने का ये कोर्ट ऑर्डर जाली है, नकली है। यह भारती ने नहीं बनवाया है, यह कमानी सेठ और उसके बेटे जैक ने और उसके साथियों ने शादी का जाल बिछाने के लिए, आप लोगों को फांसने के लिए अपनी तरफ से बनवाया है। और यह बात अभी थोड़ी देर में साबित हो जाएगी।
जब राजा भारतीय को लेकर यहाँ खुद हाजिर हो जाएगा। राजा आपने ठीक कहा था, वो लोग मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ आप सबके पास, अपने बस्ती वालों के पास। सच्चे प्यार में बड़ी ताकत होती है बेटी, उस ताकत के आगे तो शैतान भी घुटने टेक देता है, तो फिर भी शैतान के चेले हैं। अरे सुनो सुनो बस्ती वालों, अपनी भारतीय टीचर का शुक्रिया अदा करना है तो एक ही तरीका है, उसकी शादी राजा के साथ लगा दो, अभी इसी वक्त इसी बस्ती में। अपन कौन? बद्दार एहसान परामोश हमारी रियासत के राजकुमार हर्षवर्धन का ब्याह करवा रहा है हमसे छुपकर। विक्रमगढ़ के राजकुमार की शादी, और वो भी इस गंदी बस्ती की एक अदना सी लड़की के साथ। मेरा राजा सचमुच का राजा है। हमने तुम्हें अपने बेटे के साथ यहाँ भेजा और तुमने उसे गुमराह कर दिया। हमने सोचा कि तुम उसका भला चाहोगे और तुमने उसे अवलात में पहुंचा दिया। लानत! और तुम सारी जिंदगी हम ये ख्वाब देखते रहे कि तुम विक्रमगढ़ के राजा बनोगे, और तुमने हमारे ख्वाब को इस गंदी बस्ती की गंदगी में डुबो के रख दिया। तुम हमारे रजवाड़े के दीवान। दीवान? तुमने हमारे रजवाड़े के कानूनों को तोड़ा है, हमारे नियमों के साथ गद्दारी की है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, इसी वक्त मिलेगी, अभी मिलेगी। नहीं महाराज, नहीं। आज तक जो कुछ भी हुआ और जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार करण सिंह जी नहीं, हम हैं। हमारे कहने पर इन्होंने सब कुछ किया, हमने इन्हें सच्चाई छुपाने के लिए मजबूर किया। महाराज सजा तो तुमको भी मिलेगी, लेकिन यहाँ इस गंदी बस्ती में नहीं, रजवाड़े चलकर। चलो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। शम्मा महाराज। शम्मा मतलब? क्या तुम हमारे साथ नहीं जाना चाहते? हम चलेंगे महाराज, लेकिन अकेले नहीं। हम जिसकी तलाश करते हुए यहाँ तक आए थे वो हमने पा लिया है, हमारा प्यार भारती, हम उसे लेकर ही आएंगे। भारती, भारती, हर्ष, भारती, हर्ष, रुक जाओ हर्ष, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, रुक जाओ। महाराज आज दुनिया का कोई हुक्म हर्ष को जाने से रोक नहीं सकता है। क्यों नहीं रोक सकता हमारा हुक्म? दिल का मामला है महाराज। भारती, भारती, भारती मेरी बात तो सुनो। भारती महल मुझे जेल की तरह लगता था, इसलिए मैं वहां से भाग कर आया हूं। भारती, भारती सुनो तो सही, भारती महल मुझे जेल की तरह लगता था, इसलिए मैं वहां से भाग कर आया हूं। राजकुमार हर्षवर्धन, गंदी बस्ती की एक मामूली एक अदना लड़की से प्यार का ढोंग रचाकर उसका दिल दुखाने का क्या हक था आपको? बोलिए। I hate you. भारती, भारती तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या फर्क है आप में और जैक में? जैक ने अपनी दौलत के जोर पर मुझे जीतने की कोशिश की, और आपने गरीबी का ढोंग रचाकर। राजकुमार हर्षवर्धन, आपने गरीब बनकर बस्ती वालों के जज्बात का मजाक उड़ाया, मेरे प्यार की तोहिन की। मगर एक बात याद रखिएगा, दौलत से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, सच्चा प्यार नहीं। भारती, भारती एक बार मेरी बात तो सुन लो। रुक जाइए राजकुमार हर्षवर्धन, अगर अब आपने मेरी तरफ आने की कोशिश भी की तो मैं अपनी जान दे दूंगी, अब मैं आपकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। If you want to be what you want to be what you want to be, and to be what you want to be, believe what you want to be. Tune pukara, main aa gaya hu, ab gham na kar pyare. Tune pukara. लगता है डर प्यार।
तुम्हें पता नहीं तुम्हारे बगैर मेरी क्या हालत हुई। तो? मेरे ऊपर क्या गुजर रही है तुम्हें कैसे बताऊं? और मैंने सब सुन लिया। तुम प्यार की बाजी हार गए ना? हाँ भाई, फिक्र मत करो भैया, भारती को मैं मना कर ले आऊंगा। पिताजी महाराज आपकी तलाश में बॉम्बे आए हैं और रानी माँ और जयश्री मेरे साथ। कहाँ? रानी माँ? 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 हर्ष, हर्ष बेटा। माँ? हर्ष। माँ? की सारे सुख छोड़कर गरीबों की बस्ती में गरीब बनकर आया है तू। कितनी तकलीफें उठाई है मेरे बेटे ने। कुछ नहीं माँ। राजा, 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 कमानी और उसके बेटे जैक ने बस्ती को चारों तरफ से घेर रखा है। वो लोग बस्ती तोड़ने आए हैं। जल्दी करो राजा, जल्दी करो। माँ मुझे जाना होगा। माँ कोई बात नहीं बेटा, तू जा। तू भारती की चिंता मत कर, उसे हम ले आएंगे। भारती कहाँ है? बस्ती के जिस कोने में भी उसे छिपा रखा है हमारे सामने लाओ, वरना ये सारी बस्ती बर्बाद कर दूंगा। वो जहां कहीं भी सामने लाओ उसे। चंद सेकंड्स की मोहलत देता हूं, सामने लाओ उसे, वरना वरना इस पूरी बस्ती को शमशान बना देंगे हम। बस्ती वालों, वो ऊपर भी देखो। अगर भारती के बारे में नहीं बताया तो उस नन्ही सी जान में भी गोलियां काट देंगे। अरे कोई बचाओ उसे। बचाओ मेरे बेटे को। चुपचाप नीचे आ जा। नीचे उतर, नहीं तो गला काट दूंगा बच्चे का। बंदो साले को। ये मेरे पति है, वो इनके बड़े भाई हैं। दोनों हमशक्ल है ना, इसलिए तुम्हें गलतफहमी हुई है। महल की सारी खुशियां छोड़कर गरीबों की बस्ती में रहने की क्या जरूरत थी हर्ष भैया को? सच्चे प्यार की तलाश ने उन्हें ऐसे करने पर मजबूर कर दिया। वो महान है, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। अगर उन्हें ये प्यार नहीं मिला तो शायद वो कुछ भी कर बैठे। हाँ बेटी, हर्ष तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है। इस वक्त उसे तुम्हारे प्यार की जरूरत है। अगर उसे तुम्हारा प्यार न मिला तो वो कुछ भी कर बैठेगा। अबे ओ हीरो, चल अब सीधी तरह से बता दे कि भारती कहाँ है। मशीन गन का एम इस हीरो की तरफ करो। भैया मैं आ गया हूं। दो दो Attack!
गोवर्धन मेरी बात सुन। महाराज अब हर्षवर्धन है। चल! राजा साहब, वो रहे राजा साहब मेरे समधी। राजा साहब, मैं चावला लॉन्ड्री वाला भाटी का चाचा आपका समधी। गले लग जाइए। शाबाश बेटे हर्षवर्धन। गोवर्धन, गोवर्धन। राजा साहब, आप कैसे बाप हैं, अपनी औलाद को नहीं पहचानते? जेल भिजवाने वाले यही लोग हैं। राजा साहब, ये तीनों गिरगिट की औलादे हैं, इन्हें जूते मारिए। मारो गिरफ्तार कर लो हवाला। एक मिनट इंस्पेक्टर। ले जाओ इन्हें, ले जाओ इन्हें, ले जाओ। भारती, कहो तुम मुझसे प्यार करती हो? तुम मुझसे प्यार करती हो ना? आई लव यू। आई लव यू टू। खुश? बहुत खुश, मुझे आप पर गर्व है। राजकुमार हर्षवर्धन, तुमको इस बगावत की सजा मिलेगी। ठहरिए महाराज। मगर महारानी साहिबा, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। सारी जिंदगी आप बोलते रहे हैं, आज हमारे सुनिए। सिर्फ वही लड़की हमारी बहू बनेगी जिसे हमारा बेटा चाहता है। आपके घमंड और जिद ने मेरे गोवर्धन को बुजदिल तो बना ही दिया था, अब हर्ष को बागी बनाकर क्यों मेरे जैसे बेटे से हाथ धो रहे हैं? मगर महारानी, हम कहना चाहते, कुछ सुनना नहीं चाहते। महारानी ठीक कह रही हैं, आज हमारा बहुत बदल गया। दुनिया को जीतना है तो बंदूक को तलवार से नहीं बल्कि मोहब्बत तो प्यार से जीतना पड़ता है। इसलिए हमने अभी बात करना शुरू नहीं किया, आप लोगों ने भाषण देना शुरू कर दिया। महाराज आप हैं या हमें? हम अपनी जिद पूरी करके रहेंगे। सुनो हर्ष, अगर तुमने इस लड़की को हमारी बहू बनाया तो हम तुम्हें अपने सीने से लगा लेंगे और तुम्हारी पसंद की दाद देंगे। लड़की हमें पसंद है, यही हमारी बहू बनेगी। भारतीय, भारतीय।
बन गया सोना। सोना बन गया, मेरा तजुर्बा कामयाब हो गया। गरीबों के लिए सोना बन गया, अरे सस्ता सोना बन गया, खुशियां मनाओ। अरे कोई सोना वना नहीं बना, मैंने उसकी कढ़ाई में चुपके से खुद सोना डाल दिया है, वरना ये ब्लास्ट कर करके एक दिन पूरी बस्ती को उड़ा के रख देता। छत के ऊपर छत के